अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। आई एम रियली सॉरी, आई गेस वी वेंट लाइव अ बिट लेट बिकॉज आई वाज जस्ट एनकाउंटरिंग सम इंटरनेट इश्यूज। मुझे मेरे ख्याल से इंटरनेट की वजह से लाइव नहीं जा रहा था उस टाइम पे, तो आई गेस अब वी आर लाइव। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज़ ये बताते जाएं कि उन्हें वॉइस और वीडियो क्लियर है। मैं अटेंडेंस लिंक शेयर कर देता हूँ। आप लोग जल्दी से अटेंडेंस लगा लें, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? सही है। सबको बहुत से सलाम जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं मुझे। दे आर वेलकम। ओके, अच्छा, आज का जो हमारा जो हम नई चीज पढ़नी है वो ईमेल सिग्नेचर के ऊपर। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा कि ईमेल सिग्नेचर किस तरह काम कर रहा है, और दूसरी हम जो चीज देखेंगे वही चीज देखेंगे कि अपवर्क की जो क्या कहते हैं प्रोफाइल स्पेशलाइजेशन जो कल मैं डिस्कस कर रहा था उसके बारे में हम देखेंगे, प्लस फाइवर के बारे में हम देखेंगे। तो जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर कुछ ईमेल सिग्नेचर के साइजेस होते हैं, डिफरेंट होते हैं जो कि चलते हैं, और कुछ सेलर्स जो है हमें डिफरेंट साइजेस बताते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट। तो जो पॉपुलर चलते हैं जो सिग्नेचर के लिए, ईमेल सिग्नेचर की, ईमेल सिग्नेचर होता क्या है, जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक फॉर एग्जाम्पल ईमेल आती है आप लोगों को, और फॉर एग्जाम्पल किसी की भी ईमेल आई हुई है, ये E2 लैंग्वेज टीम की ईमेल आई हुई है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल टाय लोपेज है, ठीक है, ये इसका ईमेल सिग्नेचर है जो एंड पे होता है बेसिकली। ठीक है, लाइक दिस। तो ईमेल सिग्नेचर में क्या-क्या चीजें होती हैं और क्या-क्या चीजें हम लोग ऐड करते हैं? अच्छा, ईमेल सिग्नेचर में दो चीजें होती है। एक वो होता है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जिस तरह दराज है, इसने ये इमेज यानी एक पूरा ये एक इमेज अपलोड करके लगाई हुई है, ठीक है, ये ईमेल यानी ईमेल डिजाइन इसको हम कहते हैं, ठीक है, एक ये चीज है। और एक चीज है कि जिसमें एंड पर वो जो बेस्ट करके और नीचे किसी बंदे का ईमेल सिग्नेचर बना होता है, यानी उसका नाम लिखा होता है, उसकी कंपनी का नाम लिखा होता है। तो दो चीजें ही हैं, तो दोनों चीजों को देखते हैं हम। आप लोग अपनी ईमेल खोलेंगे ना, यानी जीमेल खोल लें, उसमें आप लोग ये नोटिस करेंगे हर किसी के ईमेल के एंड पे क्या आ रहा है। अब ये ईमेल डिजाइन के फॉर्म में काफी ज्यादा चलता है, यानी लोग ना अब सिग्नेचर के बजाय अपनी प्रोमोशन यानी प्रोमोशनल ईमेल डिजाइन जो होता है,
ये भी काफी ज्यादा चल रहा है, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे अल्पाइन बेयर पे देखा है ये वाला, यानी इसको हम कहते हैं प्रोमोशनल ईमेल डिजाइन्स। ये भी एक एक एलिमेंट होता है ईमेल मार्केटिंग का, ईमेल डिजाइन का। लेकिन एक जो ईमेल सिग्नेचर होता है वो सिंपली लाइक एक ईमेल के एंड पर हम ऐड करते हैं। ठीक है, जो कि ईमेल के एंड पे इस तरह दिख रहा होता है हमें। इस तरह का एंड पे दिख रहा होता है, पिक्चर भी उसमें हो सकती है। तो ये सारी चीजें देखते हैं हम, कोई ईमेल सिग्नेचर बनाते हैं किसी लोगों का या किसी भी लाइक फीमेल का बना लेते हैं, जिस तरह ये बनाया हुआ है, और फिर हम देखते हैं हम लोग उसको आगे किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं साइज, इसका साइज हमने दो इसके देखे हैं, साइज ऑप्टिमल साइज यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, 300 x 600 या तो हो सकता है, या 150 x 200। तो ये डिपेंड करता है इसमें से कस्टमर आपको कौन सा साइज बताता है। ये दो पॉपुलर साइजेस है जो 2020 में चल रहे हैं फॉर डिफरेंट ईमेल प्लेटफॉर्म्स जस्ट लाइक जीमेल। क्योंकि जब हम एक दफा डिजाइन बनाते हैं तो फिर कस्टमर जाके वो अपने जीमेल पे या हॉटमेल पर वहां जाकर उन डिजाइन को ऐड करता है, तो वो आपको बता सकता है कि इसमें से उसको कौन सा प्रेफरेबल डिजाइन चाहिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वो कहता है मुझे 300 x 600 चाहिए, तो ये वाला हम यहाँ पर साइज रख लेते हैं, 300 x 600। और ये क्योंकि वेब के लिए है, और यहाँ पर हम लोग इसको कर लेते हैं ईमेल सिग्नेचर। इसमें क्योंकि ब्लीड वगैरह नहीं ऐड होगी, बिकॉज ये प्रिंटिंग तो हमने इसकी करानी नहीं है, तो ये बेसिकली यूज होगा ऑन एन ईमेल और एट द एंड ऑफ द ईमेल। तो यहाँ पर आप देखें, अच्छा ये सॉरी, ये इस तरह नहीं होगा, ये लेफ्ट टू राइट होगा, तो इसको मैं अभी चेंज कर लेता हूँ, यानी इसकी ओरिएंटेशन इस तरह होगी, लेफ्ट टू राइट। अच्छा, ईमेल सिग्नेचर में होता क्या क्या है अगर हम देखें, यहाँ पर ये इमेज मैंने कॉपी की थी, आपका लोगो होता है, आपका बंदे का या बंदी का नाम होता है जो भी उसको भेज रही है ईमेल, उसकी प्रोफेशन होती है, जिस जस्ट लाइक आप समझ लें एक जो बिजनेस कार्ड की डिटेल्स होती है ना, वो आपकी यहाँ पर हो सकती हैं। जिस तरह बिजनेस कार्ड में यहाँ पर लेफ्ट साइड पर अगर आपको याद हो, मैं ओपन कर लेता हूँ साथ में, ठीक है, देखें ये बिजनेस कार्ड था, तो बिजनेस कार्ड में यहाँ पर हमारे पास लोगो है, नाम है, प्रोफेशन है, तो लोगो, नाम, प्रोफेशन, ये तो आता ही आता है इसमें। उसके अलावा आपकी फॉर एग्जांपल आपकी पर्सनल यानी आपकी वेबसाइट जो इस कंपनी की है वो आ जाती है, जिस तरह यहाँ पर हमने वेबसाइट्स यहाँ पर भी लिखी है आपकी, फॉर एग्जाम्पल आपकी पर्सनल वेबसाइट आ सकती है, आपकी कंपनी की वेबसाइट आ सकती है, आपका नंबर आ सकता है या आपकी कंपनी का नंबर आ सकता है, जहां भी जिस पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं, जो भी बिजनेस कार्ड की डिटेल्स है ना वो यहाँ पर आएंगी। और यहाँ पर एंड पर जो आपसे ईमेल सिग्नेचर्स में जो ट्रेंड चला हुआ है ना, वो चला हुआ है कि आप अपने ये आइकन्स भी शेयर कर देते हैं जिस जिस सोशल मीडिया पर आप अवेलेबल हैं, तो वो भी आप शेयर कर देते हैं। तो ये सारी होगी डिटेल्स यही वाली बिजनेस कार्ड वाली, और बस उसको हम ईमेल सिग्नेचर की फॉर्म में रखेंगे, और पिक्चर भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर वो बंदा कहता है कि मुझे पिक्चर चाहिए, तो हम लोग पिक्चर भी रख सकते हैं। हम इसी तरह के डिजाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट हम यहाँ से फ्री पिक से कोई लोगो ले लेते हैं, वाटर कलर लोगो,
इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, और यानी एक PNG फॉर्मेट में मैंने कर लिया। मैंने कहा डिजाइन अब क्या करें, लाइक टाइम लगता है, तो ये एक लोगो फॉर एग्जांपल, ये हमारा लोगो हो गया। और यहाँ पर हम लोग जो है फॉर एग्जांपल डिटेल, क्योंकि सर्ली स्कॉट फोटोग्राफी है, तो ये एक पर्सनल यानी उसका अपना ही ब्रांड है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सॉली स्कॉट, ये इसका साइज आप यहाँ पर, साइजिंग डिपेंड करता है, यानी ये जो फॉन्ट की साइजिंग है ये डिपेंड करता है कि आप कितने साइज का सिग्नेचर बना रहे हैं। अभी क्योंकि बड़े साइज का सिग्नेचर है तो इसमें 12 फॉन्ट जो है यूजुअली जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ इसके लिए, वो यानी छोटा लग रहा है। तो लेट्स सी, अगर इसको हम बड़ा करते हैं टू अप टू 28, यानी 24 से 28 के दरमियान जो है ना, ये 300 to 600 साइज में जो है ये सही लग रहा है। लेकिन आप कोई भी साइज रख सकते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग नहीं होनी होती इसकी, तो इसमें आप जो आपको बेहतर लग रहा है साइज वो आप रख लें। ठीक है, इसका नाम हो गया, नीचे प्रोफेशन लिख लेते हैं फोटोग्राफर। और इसका फॉन्ट हम कोई सिंपल सा रख लेते हैं। ठीक है, मे बी इसका कलर थोड़ा सा हम डार्क कर दें। ये हमारा ब्रांड नेम और वो सारी चीजें आ गई, और हम अपनी जो है डिटेल वगैरह यहाँ पर लिख लेते हैं। मैं पिक्चर नहीं ऐड कर रहा बिकॉज मर्जी, आप लोग ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी, या फिर जगह बना लें आप लोग। मैंने जगह नहीं बनाई पिक्चर के लिए। डिजाइन करना सिंपल नहीं है, मैं सिर्फ आप लोग को साइज दिखाना चाह रहा था और कॉन्सेप्ट दिखाना चाह रहा था कि ईमेल सिग्नेचर का क्या कॉन्सेप्ट है। बाकी वही डिटेल्स हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी वेबसाइट आ जाएगी, के सावली स्पॉट .com। ठीक है, इसका साइज आप लोग जो है 12 रख लें, मे बी ये बेहतर लगेगा, 12 या 10 भी बेहतर लगेगा। ठीक है, ये आप लोग साइजिंग वगैरह कर सकते हैं, मैं अभी क्विकली कर रहा हूँ जस्ट दिखाने के लिए। ये इसका फॉर एग्जांपल ये इसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। इसका नंबर आ जाएगा, ठीक है, और इसकी ईमेल आईडी आ जाएगी। ऑलराइट, ये सारी इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। साथ में इसकी जो है यानी हम लोग डिफरेंट आइकन्स जो है वो हम ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया आइकन्स जो है हमारे पास। हम फ्लैट आइकन से देख लेते हैं। इनको वन बाय वन जो हमें चाहिए, जो भी हमने ऐड करने हैं वो हम वहां पर जो है डाउनलोड करके आइकन से, आप लोगों को मैंने बताया था फ्लैट आइकन से आप लोग SVG फाइल अगर डाउनलोड करेंगे तो ये वेक्टर फाइल होगी,
और फ्री पिक से हम लोग ने ईपीएस फाइल डाउनलोड करनी होती है, तो वो होती है बेसिकली वेक्टर फाइल। अटेंडेंस लिंक काम कर रहा है आई गेस। ठीक है, जो 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 भी मुझे चाहिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक्स, वो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास आ गए हैं और इनको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ इलस्ट्रेटर पर। इनके साइजेस आप छोटे करके और फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग प्लेस कर दें दिस कलर। नाउ इट्स लुकिंग बेटर। इसी तरह सारे और लोगोस भी ले हैं जो भी आपने डाउनलोड किए हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम किया है, यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, फिर उसको रिसाइज कर लें आप। सिंपली वही सारी चीजें हैं टूल्स, इसलिए मैं क्विकली कर रहा हूँ, आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूँ। टूल्स वही सारे इस्तेमाल कर रहा हूँ जो आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ट्विटर आ गया, ठीक है। तो ये आप लोगों के बेसिकली डिजाइन्स बन गए। आप लोग थोड़ा सा इनको अलाइनमेंट वगैरह इनकी देख लें आप लोग। ये मैंने आप लोगों को अलाइनमेंट का एक ऑप्शन बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें इन तीनों को डिस्टेंस को इक्वल रखना है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये फॉर एग्जांपल इस तरह इनके दरमियान डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो इन तीनों को आप सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से आप अलाइन पैनल पर जाएंगे, आपको ऊपर भी ऑप्शन यहाँ वैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन आप अलाइन पैनल पर जा सकते हैं और यहाँ पर आपने अलाइन टू सिलेक्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स यानी वर्टिकली, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है, तो ये आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल इधर पड़ा है या इधर पड़ा है, तो ये इक्वली जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आपके। और अगर यहाँ ये वर्टिकली यानी इनके दरमियान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग अलाइन टू करके यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लें और ये सेंटर वाली देख ले एक दफा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे अलाइन हैं वर्टिकली इस तरह। तो ये अलाइनमेंट देखना बड़ी जरूरी होती है आप लोगों के लिए। ये गाइस आप लोगों का बेसिकली बन गया है ईमेल सिग्नेचर। एक जो ईमेल सिग्नेचर नॉर्मल ईमेल सिग्नेचर में डिटेल्स होती हैं, आप इसमें डिजाइन वगैरह डाल सकते हैं जो भी आप डालना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ में यहाँ पे मैं कोई ब्रश पैटर्न डालूँ, जो भी आप डालना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन ये एक आप लोगों को ईमेल सिग्नेचर डिजाइन जो है इस तरह आप लोग ने बनाना है और इस तरह आप लोग ने उसे प्रेजेंट करना है। तो अच्छा, वंस यू हैव डन दिस, तो बेसिकली हम लोगों ने जो उसको डिजाइन भेजना होता है क्लाइंट को, वो इस तरह हम लोग सिंपली जेपेग फाइल सेव नहीं करते हैं, ठीक है। सिंपली जेपेग फाइल सेव नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे कि बेसिकली ना ये टुकड़ों टुकड़ों में उसको डिजाइन भेजेंगे, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल ये लोगो अलग करके भेजेंगे, ये डिटेल अलग करके भेजेंगे, ये डिटेल अलग करके भेजेंगे, यानी स्लाइसिंग करके भेजेंगे, स्लाइस करके हर जो छोटी छोटी चीज, क्योंकि वहां पर बेसिकली अगर मैं उसको पूरी इमेज भेज दूंगा तो वो एडिटिंग नहीं कर सकेगा वहां पर, लेकिन अगर उसको मैं एक एक स्लाइस कर कर भेजूंगा तो वहां पर यानी जीमेल पर या हॉटमेल पर या कहीं पर भी वो अगर ऐड करता है इस ईमेल सिग्नेचर को, तो वहां पर ये एडिटिंग कर सकता है, यानी फॉन्ट को थोड़ा सा मूव कर सकता है। अगर वो चाहता है कि यार ये फॉन्ट थोड़ा सा इधर, ये फोटोग्राफर थोड़ा सा इधर आ जाए, तो वो इसको इस तरह मूव कर सकता है। ये जो भी रिक्वायरमेंट है वो कर सकता है।
तो अब ये जो मैं आप लोगों को चीज बता रहा हूँ कि भाई ये जो स्लाइस करना है ये किससे करना है और फिर उसको सेव किस तरह करना है, तो अब उसकी तरफ चलते हैं। आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो गया ना कि हम लोगों ने बेसिकली हर चीज को अलग अलग स्लाइस करना है। स्लाइस क्यों करना है? ताकि बायर के लिए एडिटेबल, यानी एडिटेबल हो जाए ये सिग्नेचर, और बायर उस सिग्नेचर को आराम से यूज कर सके। अगर हम उसको पूरी इमेज भेज देंगे तो फिर वो इसको एडिट नहीं कर सकेगा। आप लोग ने अभी अपने माइंड में ये वाली चीज रखनी है। यहाँ पर हम लोग के पास ये स्लाइस टूल मौजूद है यहाँ पर आर्टबोर्ड के साथ, बिल्कुल ठीक है। ये स्लाइस टूल है और उसके अंदर स्लाइस सिलेक्शन टूल है। तो स्लाइस टूल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और स्लाइस टूल सिलेक्ट करने के बाद आप लोग जिस तरह शेप नहीं बनाते उस तरह आप लोगों ने जहां से भी स्लाइस बनाना है वहां से पकड़ कर इस तरह, यानी इस लोगो का यहां तक ये स्लाइस बन गया। अब ये बेसिकली क्या हुआ है पूरा करके जरा बनाए, 1 मिनट। अब ये क्या हुआ है, वो कह रहा है इलस्ट्रेटर एक ये इमेज हो गई 1, एक ये इमेज हो गई आपकी 2, यानी ये अलग हो गया, स्लाइस हो गया, और ये पूरा अलग हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से स्लाइस करता हूं इसको, अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब मैं स्लाइस करता हूं जी दिस, ठीक है। नाउ दिस इज सेपरेट एंड दिस इज सेपरेट, नाउ आई विल स्लाइस दिस। अब ये सारे स्लाइस बनते जा रहे हैं, ये शेप की तरह मैं बना रहा हूं सिंपली स्लाइस। एक ये अलग हो गया, ये एक अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब इसको जो है मैं अलग कर देता हूं, इसको अलग, इसको अलग। मेक श्योर कीजिएगा बस पॉइंट टू पॉइंट स्लाइसिंग हो, ठीक है। इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। अभी एक्स्ट्रा जो बनी है उसकी खैर है हम लोग यानी उसको देख लेते हैं, लेकिन इस तरह हम लोगों ने ना अपने पूरे ईमेल सिग्नेचर की स्लाइसिंग कर ली है। बेसिकली इसको क्या कह रहे हैं, हमने स्लाइसिंग की है, और यानी हमने अपने पूरे डिजाइन को डिवाइड कर लिया। आप यहाँ से स्लाइस को मैनेज भी कर सकते हैं, यहाँ से ये स्लाइस सिलेक्शन टूल है, इससे स्लाइस सिलेक्शन टूल स्लाइस को सिलेक्ट करके आप उसको यानी स्लाइस को मैनेज भी कर सकते हैं आप इस तरह कि उसका साइज वगैरह छोटा करने में। इसका अगर इस तरह कर लेता हूँ साइज, ये ऊपर एक्स्ट्रा स्लाइस ही बनेगा, खैर है। यहां से मैं इसका स्लाइस इसका थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, और इसका थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, तो ये हमारे पास ये स्लाइस बन गया। मतलब जिस तरह हम लोग शेप को मैनेज नहीं करते उस तरह हम स्लाइस को मैनेज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो ये अब हर चीज अलग अलग स्लाइस हो गई, स्लाइस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और आगे से 12, 13, 14, 15 बन गए हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा बनेंगे हम उनको डिलीट कर देंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ने इस तरह स्लाइसिंग करनी है, ये बहुत सिंपल है। आप लोग करेंगे लिटरली, आप लोग स्लाइस बनाने ये स्लाइस बनते जाएंगे, और ये स्लाइस सिलेक्शन टूल से अगर आप स्लाइस को अगर थोड़ा सा यानी इसका साइज वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह ये कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा ऑटोमेटिकली पीछे स्लाइसेस पर बनती जाएंगी, अगर कोई थोड़ी सी भी जगह छूटेगी तो वो एक्स्ट्रा स्लाइस एक बन जाएगी। तो यू शुड कीप इन रिमाइंड, अगर इसको डिलीट करना चाहें स्लाइस को तो क्या हम कर सकते हैं, सी नहीं हो रही। ऑलराइट, अच्छा ये अब हमारे पास स्लाइसिंग बन गई है, अब हम इसको सेव करने जाते हैं। लेट्स गो टू सेव फॉर वेब। अच्छा वो कह रहा है कि जिन स्लाइसेस को आपने सेव करना है उनको पहले आप सिलेक्ट करें, तो मैं पहले स्लाइसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट दबाकर, जिन जिन स्लाइसेस को मैंने सेव करना है उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्ट ऊपर, बिल्कुल पाथ के ऊपर आपने क्लिक करना है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, या सिंपली बीच में भी कर लें तब भी हो जाएगा सिलेक्ट। तो ये सारे स्लाइसेस जो है हमारे सिलेक्ट हो गए। नाउ लेट्स गो टू सेव फॉर वेब, और अब जो है लेट्स सी यहाँ पर जो है हम लोग ने कौन से ऑप्शन देखने हैं। एक ऑप्शन था मेरे जहन से निकल रहा है यहाँ पर, ओके
लेट्स सी, अगर हम अभी सेव करते हैं तो क्या होता है? डाउनलोड्स में मैं इसको सेव करता हूँ, ईमेल सिग्नेचर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये देखें, ये हमारे पास बेसिकली जो है ना, हर चीज अलग अलग होके सेव हो गई है। ये देख रहे हैं आपको छोटे छोटे, फॉर एग्जाम्पल ये अब एक्स्ट्रा भी सेव हो गए हैं, इनको हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, बाकी ये जो है ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा था, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। बाकी ये जो हमारे पास सारे हुए ना, ये अलग अलग सेव, हम ये जो है क्लाइंट को सिंपली एक जिप फॉर्म में बनाकर दे देंगे, बस। दैट इज इट, दैट इज योर ईमेल सिग्नेचर डन एंड डस्टेड। ठीक है, आप लोगों ने उसे उस फॉर्मेट में बनाकर भेज देना है, दैट इज इट, और ये फाइल आप उसको भेज देंगे। आप लोगों ने क्या कहते हैं, अपनी फाइल सेलेक्ट कर ली, जो जो भी फाइल आप लोगों ने उसको भेजनी है, उसको यहाँ पे सेव फॉर वेब पर गए, और यहाँ से सेव फॉर वेब से आपने सेव कर ली। यहाँ से एक मिनट, सेव सिलेक्टेड स्लाइसेस, अगर ये सेव सिलेक्टेड स्लाइसेस को मैं सेव करता हूँ तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, अगर आप लोग यहाँ से सेव सिलेक्टेड स्लाइसेस को सेलेक्ट करेंगे ना, यानी सेव कर लेंगे यहाँ से सेव सिलेक्टेड स्लाइसेस, तो फिर सिर्फ जो है आपकी क्या कहते हैं, सिर्फ सिलेक्टेड स्लाइसेस जो है वो सेव होंगी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर अब आप लोग की सिर्फ सिलेक्टेड स्लाइसेस, वैसे ये पता नहीं क्यों इसमें ऑप्शन आ रहा है, अभी भी वही सारी हो रही हैं, मेरे ख्याल से मैंने सिलेक्ट नहीं की हुई थी, अभी मैं इसको चेक करूंगा। लेकिन अगर आपकी एक्स्ट्रा हो भी रही है सेव, तो उन्हें आप डिलीट कर दें, यानी आपकी यहाँ पे मेरे, हमारी ना एक्स्ट्रा मेरी सेव हो रही है यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा जो ब्लैंक स्पेसेस है ये भी सेव हो रहे हैं, इनको आप डिलीट कर दें, बाकी जो है आप क्लाइंट को भेज दें, दैट इज इट। और दिस इज हाउ क्लाइंट वुड डिमांड योर ईमेल सिग्नेचर टू बी। आप लोगों ने क्या करना है, हर हिस्से को अलग अलग कर देना। अब लोगों के हिस्से को आप अलग अलग ना करें, बिकॉज लोगो इटसेल्फ एक हिस्सा है, ये जो फॉन्ट है इसको आप लोगों ने जो है अलग अलग कर देना। तो इस तरह बेसिकली आप लोगों ने अपने ईमेल सिग्नेचर डिजाइन करना है, और उसको डिजाइन करके अपने क्लाइंट को देना है। ये आपका था ईमेल सिग्नेचर, ठीक हो गया, इसे कहते हैं ईमेल सिग्नेचर। इसकी काफी ज्यादा सर्विसेज आप लोगों को मिलेंगी। जी, जेपीजी में ही होगा, जेपीजी में होगा। अगर आप सेफ और वेब से, अगर आप इसको सेफ और वेब से करते हैं, तो यहाँ पे आप पीएनजी में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, पीएनजी में भी सेव कर सकते हैं सर। अच्छा, जिप फाइल कैसे बनाई? जिप फाइल सिंपली इस तरह बनाई है मैंने कि आप लोग ये सारी चीजों को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पर सेंड टू करते हैं, सेंड टू पे जाके कंप्रेस्ड फाइल्स, कंप्रेस्ड जिप फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये आपका फिर जिप फोल्डर बन जाता है। स्लाइसिंग कितना होना चाहिए? बेशक आप लोग पूरा पूरा रखें, थोड़ी सी स्पेस रख दें। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, इतनी ब्रीदिंग स्पेस हो, थोड़ी सी वाइट वाइट स्पेसिंग थोड़ी सी हो, राइट लेफ्ट से भी वाइट स्पेसिंग ये ज्यादा है, आप इसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ से स्पेसिंग मैं अगर ये सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से स्पेसिंग कम कर दूं, ये भी हो सकता है, लेकिन इतनी कम नहीं कि बिल्कुल कोने कोने तक इस तरह हो, इस तरह ना कीजिएगा, थोड़ी सी स्पेसिंग रखें आप लोग, बिल्कुल थोड़ी सी स्पेसिंग रख सकते हैं। ये तो मैंने भी ज्यादा रखी हुई है।
ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह मैंने यहां से कम किया, यहां से कम किया, इधर और इधर एक एक्स्ट्रा स्लाइस बन गया, लेकिन कोई मसला नहीं, आप बाद में डिलीट कर देना, जितने भी एक्स्ट्रा स्लाइस बन रहे हैं यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। यही मैंने आप लोगों को समझाना था कि उसके उस पे वरी करने की जरूरत नहीं है, वो आपके बाद में डिलीट हो जाएंगे, बनने दो उन स्लाइसिस को। ठीक है, अब ये एक स्लाइस बन गया, मतलब मैं चाह रहा हूं कि आप लोग स्लाइसेस बनाएं तो उसमें थोड़ी थोड़ी सी बस ये वाइट स्पेसिंग आप लोग ऊपर नीचे से रहने दें, बिल्कुल भी कोने कोने तक नहीं बनाना आप लोगों ने, ये देखें थोड़ी सी स्पेसिंग रहने दी है, बहुत ज्यादा स्पेसिंग भी ना रखें आप लोग, जिस तरह ये बहुत ज्यादा स्पेसिंग लेफ्ट टू राइट जा रही है तो मैं इसको इसलिए कम कर रहा हूँ, और ये स्लाइस सिलेक्शन टूल से ही कर रहा हूँ, जिस तरह शेप को नहीं करते आप लोग। अब इस तरह आप लोगों के स्लाइसेस हो गए, ये सारे आपके एक्स्ट्रा स्लाइसेस हैं, यहां से भी आप कर लें। ये आपके सारे एक्स्ट्रा स्लाइसेस हो गए और ये आपकी स्लाइसिंग एक्चुअली में हो गई है, और ये आप लोगों ने अपने क्लाइंट को भेज देना और वो आगे जाके अपना सी ईमेल सिग्नेचर ऐड कर लेगा। दिस इज हाउ यू डिजाइन एन ईमेल सिग्नेचर। थैंक यू सो मच सर। वेक्टर फाइल पीएनजी वाली होती है या जेपीजी? सर सॉरी अगेन पूछ रहा हूँ, भूल गया, बड़ा सिंपल सा, वेक्टर फाइल ना पीएनजी होती है ना जेपीजी होती है, पीएनजी एंड जेपीजी आर रास्टर फाइल्स, और क्या कहते हैं, वेक्टर फाइल आर एआई फाइल या एसवीजी फाइल या ईपीएस फाइल या पीडीएफ फाइल। स्लाइस बनाने का क्लाइंट को क्या फायदा होगा? बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया कि हम स्लाइसिंग इसलिए कर रहे हैं, ये अलग अलग हमने इसलिए बना दिए हैं, बिकॉज जब वो अपना ईमेल सिग्नेचर ऐड करता है जाकर फॉर एग्जांपल अपने ईमेल में, तो वहां पर रिक्वायरमेंट होती है कि उसको या तो एक पूरी इमेज ऐड कर दे या फिर सेपरेट इमेजेस ऐड करे। अगर वो ये सेपरेट हर चीज, यानी सॉली स्कॉट का नाम है, इसकी इमेज उसने सेपरेट ऐड की है, ठीक है, इसकी इमेज यानी उसका जो फोटोग्राफर नाम है, इसकी इमेज उसने सेपरेट ऐड की है, हर चीज की इमेजेस ने सेपरेट ऐड किए, तो क्या होगा, इन इमेजेस को, इन इमेजेस की मूवमेंट को वो एडिट कर सकेगा, इनके कलर्स वगैरह को नहीं, यानी इनके मूवमेंट को, इनको किधर प्लेस करना चाहिए किधर नहीं प्लेस करना चाहिए उसको वो एडिट कर सकेगा। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाता हूँ जिससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू एड अ सिग्नेचर इन इन एन ईमेल। वो वीडियो देखना जरूरी है। यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी पॉपुलर सी वीडियो थी, अजान हो जाए फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे पास अजान हो रही है तो फिर स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जी, अजान हो गई है तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं मोहम्मद इमरान के, सर हम स्लाइसिंग में स्पेस रखेंगे तभी क्लाइंट उसकी पोजीशनिंग कर सकता है। नहीं, स्लाइसिंग में स्पेस इसलिए थोड़ी सी मैं रख रहा हूँ कि लाइक थोड़ी सी एक ब्रीदिंग स्पेस हो, क्योंकि कभी कभार क्लाइंट जो है बिल्कुल आपका फॉर एग्जाम्पल गलती से आपसे डिजाइन कटना हो जाए, मेरा ये मकसद है। तो यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम ये ईमेल डिजाइन की तरफ आएंगे। बिल्कुल पोस्टर की तरह होता है और इसकी तरफ देखेंगे कि यानी इसको किस तरह हम लोग डिजाइन करेंगे, इसके साइजेस क्या चल रहे हैं। इसको हम न्यूज़लेटर भी कहते हैं। वीडियो नहीं चल रही है आपकी, हम मेरी चले मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। इससे रिलेटेड गाइस कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। हो चुके हैं, लेकिन प्लीज यार आप लोग जो है ना, क्या कहते हैं, जिनकी अपवर्क और फ्रीलांसर की नहीं बनी हुई, वो साथ अपने रिस्पॉन्सेज यहाँ पे जो है ना रिकॉर्ड करते जाएं, न्यू रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड करते जाएं। मैं हम पुराने वाले उनके डिलीट कर देंगे, लेकिन मुझे तीनों प्रोफाइल आप लोग की चाहिए। जैसी प्रोफाइल्स होती हो यहाँ पर रिकॉर्ड कर दें। जी सादिया, आपकी क्या कंफ्यूजन है बताएं आप। मैं यहाँ पे ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। ऑल राइट, यहाँ कमेंट में भी शेयर कर देता हूँ मैं। अच्छा सर, हमने गिग का अलग अलग टाइटल रखना होता है ना, लाइक सिग्नेचर लोगो वाली अलग, बिजनेस कार्ड वाली अलग, बिल्कुल अलग अलग रखना होता है। यस, यानी अलग अलग सर्विसेज है ना हमारे पास ये। ओके अच्छा, आगे चलते हैं ईमेल न्यूज़लेटर डिजाइन पे। नहीं, आप इस तरह कीजिएगा कि आगे जाके ना मैं अब फॉर एग्जांपल लाइक एक और प्रोफाइल लिंक शेयर करूंगा जिसमें आप लोग की सारी प्रोफाइल्स आ जाएंगी, तो उसमें फिर आप सबमिट करा देना। अभी ठीक है, अभी तीन आपके हैं ना। जी, क्यूआर कोड भी होता है, मैं क्यूआर कोड के बारे में भी बता देता हूँ, न्यूज़लेटर में ही बता देता हूँ, उसमें भी ऐड हो सकता है, इसमें भी ऐड हो सकता है।
ईमेल सिग्नेचर पे भी क्यूआर कोड ऐड हो सकता है। क्यूआर कोड किसी भी ऐसी चीज में ऐड, क्योंकि फॉर एग्जांपल इसमें कॉल टू एक्शन हम कर रहे हैं ना, यानी कॉल टू एक्शन हम कर रहे हैं तो क्यूआर कोड इसमें ऐड हो सकता है। तो लेट्स सी द वीडियो। मैंने आप लोग के पास वीडियो खोल के रखी थी, उसको हम देखते हैं। Hey guys, it's Mariah, and today I want to teach you a really quick tutorial on how to create branded email signatures for. पहले मुझे बताएं कि इसकी वॉइस आप लोग को आ रही थी सबको? यस सैफ, आपके लिए यही मैं कह सकता हूं कि आप जो है ना, जो आप एक चीज को ग्रैब करें, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सारी स्किल्स जो सिखा रहा हूँ, ये सारी स्किल्स परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ये स्किल्स आप लोग की सिर्फ लर्निंग के लिए है, दैट्स इट। ताकि आप लोग को पता हो जाए, बेसिकली सिर्फ एक आइडिया हो जाए कि भाई मैं कहता हूँ कि ये मग पड़ा हुआ है, या ये फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी खड़ी हुई है, तो आप लोग को पता हो कि ये गाड़ी है, दैट्स इट। आप लोग को बस एक पता हो कि ईमेल सिग्नेचर क्या चीज है, अब उसे बनाना किस तरह किस तरह करना है, अभी आप इसको अपने सर पे हावी ना करें। आप लोग थोड़ी सी चीजें अंडरस्टैंड कर लेंगे अच्छे तरीके, सर ने सिखाया था स्लाइसिंग टूल है, ये चीजें बाद में जाकर आप यूट्यूब पे बथेरी वीडियोस पड़ी हुई है। बेसिकली मेरा मकसद ही होता है आप लोग को चीजों का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करवाना है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों को शायद मे बी सारी स्किल पहली दफा में क्लियर हो जाए, लेकिन अगर आप स्लो लर्नर हैं तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा आप सारी स्किल सीखने के पीछे ना जाए। बेसिकली मेरा तो मकसद ही यही है कि बेसिकली सारी स्किल्स के बारे में आपको बताया जाए, लेकिन आप पे हावी ना की जाए। मैं कोई भी आप लोग को ऐसा नहीं करता कि भाई अब ईमेल सिग्नेचर पे आ जाओ, अब इस पे आ जाओ, जो आप लोग को बेहतर लग रही है चीजें आप उस पे केक बनाए। तो लेट्स सी द वीडियो। For your Gmail account. I think email signatures that are branded and designed something more elaborate than just your name typed out are super professional. They really elevate your brand and I think they just stand out from everyone else. So if you want your Gmail to look freaking awesome, let's watch this tutorial. So the first thing that you're going to need to do is actually design your signature in another program, whether that's I use Illustrator because that's what I use for everything. If you're a Photoshop person, that's cool too. If you are sticking to your Canva, that's fine. So whatever it is you need to design it in, do that first. I already have mine designed and I actually want to create my signature to be clickable. So I want these social media links or icons to be actual buttons in my signature. So I've designed it so that I can split this graphic up into a few different images. In Illustrator, there's actually a really easy way to do that. It's called the slice tool. It's right here. यही सारा सारी चीजें जो भी I मैंने बताई है actually already रिपीट हो have a रही है। document where it's all sliced, ready to go, but you can see that these red marks are dissecting my entire image to create smaller ones that I will then put all back together within Gmail. So once you have your design saved out and any individual buttons saved out as their own images as well, like I do here, we can get going. So you can see that every one of these is their own icon. So we're going to first go to the internet. I use this. अच्छा, ये सारा प्रोसेस है ये बता रही है कि जिस तरह ईमेल पे जीमेल में, यानी जो पॉपुलर हमारा ईमेल का है उसमें किस तरह ऐड की जाती है, तो ये सारा वो प्रोसेस बता रही है। अभी तक हम लोगों ने, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया है, यानी स्लाइसिंग वगैरह करके ये अलग अलग इमेजेस सेव कर लिए। अब ये नेक्स्ट प्रोसेस बता रही है कि वो ऐड किस तरह करेगी, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कभी बार क्लाइंट कह सकता है आप लोगों को भाई मुझे गाइड करो कि किस तरह ऐड करना है, तो आप उसको फिर ये वाली वीडियो भेज सकते हैं या आप इस तरह गाइड भी कर सकते हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये वीडियो है मारिया एल्थोफ की, और ये है हाउ टू डिजाइन ए कस्टम ईमेल सिग्नेचर इन जीमेल। So, we're going to first go to the internet. I use a site called postimage.org. This site is a website where you can upload an image and it will give you a URL for that image. So, for example, we're going to choose images. You're going to pick your first image for your email signature.
signature, and it's going to give you a bunch of links. You're going to want to use the one that says direct link. I don't know. Don't use the one that just says link. I don't know what that one is. It doesn't work. So use the direct link. You're just going to copy it to your clipboard. If you're on Mac, that's just Command C. And then we're going to go over to Gmail. So to edit our Gmail signature, we're going to go to the gear icon, click settings, and head down here. And then we're going to go over to Gmail. So to edit our Gmail signature, we're going to go to the gear icon, click settings, and head down here. Delete all this so we can recreate it. Okay, so now to add that image to our signature, we're going to click on this little mountain icon that says insert image, and we're going to choose web address URL. And you're going to paste it here. I'm going to load a preview. Awesome, that's what I wanted. Press select. Basically, na wo post image ek website hai, wahan se na ye nahi aap koi bhi image upload karte hain to us image ka ek URL generate ho jata hai. उस इमेज का एक यूआरएल जनरेट हो जाता है, तो वो जब यूआरएल जनरेट होता है तो वो ना सिखा रही है कि आप यूआरएल के थ्रू किस तरह बेसिकली इमेज को अपलोड करेंगे. यानी ये इसने फिर यूआरएल जनरेट किया था यहाँ से, और यहाँ पे लाके उसने फिर जो है ना यूआरएल अपलोड ऐड किया उसने. And then I'm just gonna hit return, so I go below it, and I'm going to keep doing those things. I actually have all of these already uploaded to post image, so I can just copy. अभी उसने क्या किया, हर इमेज का जो यानी फॉलो मी जो उसका डिजाइन था एक्चुअल में, इसका अलग कर लिया है, इसका अलग कर लिया. उसने इनको अलग नहीं किया, मैंने इसको भी अलग कर लिया था सारा. उसने इसको पूरा स्लाइस किया है और इनको अलग अलग किया है. अब वो हर किसी की इस तरह ना वन बाय वन जो है वो ईमेल यानी पोस्ट इमेजेस पे जाके लिंक्स जनरेट करेगी और वो यहाँ पर आके अपलोड करती जाएगी. I have all of these already uploaded to post image, so I can just copy and paste them. Speed this thing up a little bit. It's in there. Good. ठीक है, ऐड हो गया. Good. So it's gonna stick it right in there. I'm not gonna press space or return or anything. I'm just going to add the next icon. This process until you have everything you want in there. Obviously, the easier you make these splits in your image, the easier putting it all back together in Gmail is going to be. So don't make it super complicated. It's not worth that. And there are a lot of combinations that it's just not even possible. So the simpler, the better that you make this. Basically, your signature design should be simple. Much happier and save yourself a headache. So this last one, I also, when you're designing your signature, I suggest keeping it around 300 to 500 pixels wide. Anything bigger than that is going to be too big. So as you can see, everything's loaded in here. वैसे हमने 300 to 600 रखा है एहतियातन, यानी 100 पिक्सल थोड़ा सा ज्यादा रखा हुआ है, जो कि अब 2020 में क्योंकि अपडेट्स आती रहती हैं. तो ये थोड़ी ख्याल से पुरानी इमेज पुरानी वीडियो है, ये है 2017 की, तो तब वो 500 यूज कर रही थी पिक्सल, तो अब रेकमेंडेड 600 आ रहा है. Now, but now it's time to add clickable links to things. अब ये क्या करेगी, बेसिकली ये जो छोटे छोटे हमने अलग अलग इनको बनाया था, इनको ना लिंक करेगी, फॉर एग्जाम्पल अपने इंस्टाग्राम के साथ, अपने पिंटरेस्ट के साथ, अपने फेसबुक के साथ, अपने ट्विटर के साथ. तो अब देखिए, button right next to where you're inserting images, click that, and it's actually just going to have this little pop-up that comes on the bottom of your image, and you're going to click change. Right now it's just going to nothing, and type in whatever link you want. Mine, go to my website, mariahalltalk.com, press okay, and then you do that with each individual social media icon or whatever it is that you have as well. I'm not going to do that for every single one while you're sitting here because I don't want to bore you. But make sure you hit save changes. And then here you go. And it's not actually really going to be clickable when you're like editing an email, but if you were to send it to yourself, just
You'll see what it looks like if people actually were to receive it. So अभी look देखें, at क्लिक करेगी तो उसकी वेबसाइट पे चली it's जाएगी, यानी right उसने लिंक कर there. दिया था अपनी वेबसाइट से So that is how यहाँ पर। want to bore you. We'll press OK. Link you want of your image, इसने and उसको you're इमेज going को सिलेक्ट to किया click था change. Actually, just और when यहाँ से you लिंक have पे this गई little थी, pop-up that फिर वो comes on the चेंज पे bottom गई of है, your image, and your click change is going to और फिर उसने अपना वहां पे जो happen, भी and type जिससे in भी whatever लिंक link करना है you उससे want. ऐड कर दिया। और इसी तरह वो कह रही है कि इंस्टाग्राम का भी आपने करना है, यानी इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करना है, फिर उसको वेबसाइट पे जाके अपने इंस्टाग्राम की जो आईडी वो लिंक है, फॉर एग्जांपल जो भी आपका पेज का वो ऊपर यूआरएल जनरेट होता है वो वहां पे पेस्ट कर देना है यहाँ पर। अब वो कह रही थी कि वो टाइम वेस्ट होगा इसलिए वो बार बार किसी का नहीं कर रही, तो इस तरह आप लोगों ने उसका भी करना है। तो गाइज ये सारा प्रोसेस है किसी भी ईमेल के अंदर, इसलिए हम लोगों ने स्लाइसेस अलग अलग किए कि एक तो या तो हम उनको बटन्स बना सके और उनकी प्लेसमेंट भी चेंज कर सके, तो दैट इज वाई वी स्लाइस्ड। अब आप लोग को आइडिया होगा कि क्यों हम लोगों ने स्लाइस किया। नहीं वो फोटोशॉप में होगी। अच्छा अब नेक्स्ट है ईमेल न्यूज़लेटर। अभी फिलहाल के लिए इसको हम किसी नेक्स्ट उसमें देख लेंगे, मैं इसको आप लोगों को बता दूंगा इसके बारे में, क्योंकि इतनी ये भी एक सर्विस है जो चलती है, वैसे हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है ये, बट इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि ये ईमेल न्यूज़लेटर डिज़ाइन जो होता है बेसिकली ये एक प्रोमोशनल डिज़ाइन ईमेल आती है, जो जिस तरह आप ये एल्पाइन बेयर की देख रहे हैं इस तरह की, ये काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, तो इसके बारे में भी मैं आप लोग की क्लास लूंगा। मे बी कल की क्लास में हम देख लेते हैं इसको। ये देखें इस तरह की ये डिजाइन बना होता है ईमेल डिजाइन का, ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। अभी अगर हम फाइवर पर जाएं, यहाँ पे लिखते हैं ईमेल सिग्नेचर, पहले देखते हैं इसकी क्या फॉर एग्जांपल चल रही है, क्लिक क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर। अच्छा ये देखें ये कीवर्ड चल रहा है कि आई विल डू प्रोफेशनल क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर, आई विल क्रिएट एचटीएमएल ईमेल सिग्नेचर और क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर। अब इसमें आप लोग एक चीज देख लीजिएगा कि कुछ सर्विसेज ऐसी बेच रहे हैं जो लोग जिसमें वो कह रहे हैं कि वो आपको एचटीएमएल बेस्ड यानी ईमेल सिग्नेचर विद इमेज लोगो और फोटो प्लस कॉन्टेक्ट इन्फो। अच्छा यहाँ पर यानी वो कुछ कह रहे होंगे कि आप लोग को हम कोडिंग भी करके देंगे, तो वो चीज एक दफा देख लीजिएगा आप। ये जो मैंने आप लोग को सारा प्रोसेस बताया है ये आप लोग ने ईमेल क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर ही बनाया है, ठीक है? तो इसको जरा पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि मैं एचटीएमएल ईमेल सिग्नेचर या क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बनाता हूँ, ये तो हम बनाते हैं, लेकिन एचटीएमएल ईमेल सिग्नेचर से क्या मुराद है इसका, ये जरा देखते हैं। ईमेल सिग्नेचर इज इक्वल टू योर प्रिंटेड बिजनेस कार्ड, ठीक है? जिस तरह मैंने आप लोग को बताया था कि इट्स जस्ट लाइक ईमेल सिग्नेचर्स आर जस्ट लाइक योर डिजिटल बिजनेस कार्ड्स। ये द क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर विल वर्क इन ऑल योर मेजर क्लाइंट्स लाइक जीमेल मैक मॉल। ऐसे देखें इसने बड़ी एक अच्छी चीज की है, इसने मेन अपने उसको तो यानी बोल्ड किया है और बताया है कि किस किस में ये यूज होगा, जीमेल में, मैक मेल में, हॉटमेल में। लेकिन मसला है कि इसने स्पेलिंग जो है ना गलत लिखी हुई है, हॉटमेल वेब मेल माल लिखी हुई है, जी माल लिखी हुई है। एनीवेज तो लेकिन ये इसके बड़े अच्छी ट्रिक थी टू यू नो। तो अब वो कह रहा है कि क्या क्या चीजें वो प्रोवाइड करेगा, कंपनी एड्रेस, क्लिकेबल सोशल लिंक्स, ये सारी चीजें देखें। जो वीडियो मैंने आप लोगों को क्लिकेबल यानी ईमेल सिग्नेचर्स बना सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि सर उन्होंने क्लिकेबल करना है, और इस तरह की वीडियो आप बना, इस तरह के ईमेल सिग्नेचर्स आप लोग इजीली बना सकते हैं। ये देखें ये इसी तरह के डिजाइन हमने बनाया है और आप लोग इस तरह का बना सकते हैं, सिंपल सा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ईमेल सिग्नेचर के डिजाइन्स की अगर मैं बात करूं, '99 डिजाइन में हम देखते हैं ईमेल सिग्नेचर के काफी ज्यादा कॉन्टेस्ट आपको नजर आएंगे 99 डिजाइन में। ठीक है, ये बिजनेस एंड एडवर्टाइजमेंट के अंदर ईमेल का सेक्शन है,
उसके अंदर आप लोगों को काफी ज्यादा ये ईमेल सिग्नेचर के, न्यूज़लेटर के, ईमेल सिग्नेचर के काफी ज्यादा आप लोग को जो है ना यहाँ पर कॉन्टेस्ट नजर आएंगे। न्यूज़लेटर के आएंगे ये मैं आप लोग को अभी कल बताऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ पे टैग्स में लिखना है, यहाँ पे ईमेल और टैग्स में लिखना है सिग्नेचर। तो अब देखें ईमेल सिग्नेचर के आ रहे हैं, ईमेल से लेकर के यहाँ पे टैग्स में सिग्नेचर लिखना है, वरना आपको ज्यादातर न्यूज लेटर के आएंगे जो कि हमने कल पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह लोग बना रहे हैं। आउटलुक का सिग्नेचर बनाना था तो ये देखें सिग्नेचर डिजाइन बने हुए हैं, आपको डिफरेंट आइडियाज यहाँ पे मिल जाएंगे, ब्रीफ मिल जाएगी आप लोगों को यहाँ पर। सैंपल्स बनाने का वो यानी आइडिया मिल जाएगा कि आप फाइवर पे किस तरह के सैंपल्स बना सकते हैं विथ लेआउट। इतने ही कॉन्टेस्ट हैं इसके ईमेल के। आप यहाँ पे वैसे ही ईमेल सिग्नेचर डिजाइन इंस्पिरेशन तो आपको यहाँ पे गूगल पे इटसेल्फ आप लोगों को काफी ज्यादा इंस्पिरेशन डिजाइन्स मिल जाएंगे। आप ईमेल सिग्नेचर डिजाइन बिहेंस पे देखें, अगर बिहेंस पे आप लोगों को काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल डिजाइन्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर ड्रिबल पे देखना चाह रहे हैं आप, ड्रिबल पे आप लोगों को काफी ज्यादा मिल जाएंगे। देखें किसी और वेबसाइट पे देखना चाह रहे हैं यानी शटरस्टॉक या फ्री पिक, फ्री पिक पे आप लोग देख लें, आप लोग को मिलते ही हैं फ्री पिक पे, वेक्टर फॉर्मेट में मिलते हैं पड़े हुए। तो हमें फ्री में भी कुछ ये लेआउट्स पड़े हुए मिलेंगे, इसको हम एडिट एडिट कर सकते हैं और अपने सैंपल्स में यूज कर सकते हैं इसको। तो ये भी मेरे ख्याल से एक बड़ी मजेदार सी सर्विस है जिसमें आप लोग जा सकते हैं। और इसमें अगर मैं कंपटीशन देखूं तो क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर में सिर्फ 3,000 है, और ईमेल सिग्नेचर की, एचटीएमएल ईमेल सिग्नेचर की अगर मैं बात करूं इसमें 3,000 है। ये टैग अच्छा चल रहा है, तो आप इन दो टैग्स को आपस में मिला सकते हैं, क्लिकेबल एंड एचटीएमएल ईमेल सिग्नेचर। ठीक है, या आप किसी फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक सिर्फ कहते हैं, आप सिर्फ कहते हैं मैं जीमेल सिग्नेचर ही बनाऊंगा, तो ये भी इस टैग में कंपटीशन कम है। ठीक है, 438 सर्विसेज हैं, लेकिन यहाँ पर लोग अच्छा कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप इस तरह का टाइटल बना सकते हैं, आई विल डिजाइन एन क्लिकेबल एचटीएमएल सिग्नेचर फॉर जीमेल आउटलुक। उसमें क्या होगा, आपकी सारे टैग्स आ जाएंगे, तो इस तरह का टाइटल हो सकता है आप लोगों जिस तरह इसने लिख के किया हुआ, आई विल मेक अ क्लिकेबल, यानी क्लिकेबल भी टैग आ गया, एचटीएमएल एचटीएमएल का टैग भी आ गया, ईमेल सिग्नेचर का टैग भी आ गया फॉर आउटलुक और जीमेल, तो जीमेल का टैग भी आ गया, आउटलुक का टैग भी आ गया। तो इसकी देखें कितनी ज्यादा रेटिंग है। इसने क्या किया, सारे टैग्स को आपस में इस तरह मर्ज किया कि वो एज ए सेंटेंस भी अच्छे लग रहे हैं और उसकी सर्चेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए अब ये एच टी एम एल ई मेल सिग्नेचर अब ये होगा उसमें भी ये बंदा हमें शो होगा कहीं ना कहीं, बेशक नीचे हो रहा हो लेकिन होगा ये, मे बी नेक्स्ट पेज में हो रहा हो मेरे से ये था। ठीक है, नहीं ये वाला तो मे बी ये नेक्स्ट पेज में हो रहा हो, लेकिन ये कि ये डिफरेंट आपके फॉर एग्जाम्पल आउटलुक सिग्नेचर में देखते हैं ये बंदा शो हो रहा है कि नहीं, ये रहा। ठीक है, तो इससे आप लोगों को आइडिया हो रहा है कि ये भी एक सर्विस है जिसमें आप लोग जा सकते हैं। और फॉर एग्जांपल इसमें मेरे नहीं ख्याल इतनी ज्यादा मेहनत है ईमेल सिग्नेचर में, आप लोगों ने सिर्फ स्लाइस करके देना, उन्होंने कहना है वाह इन्होंने क्या करके हमें दिया, यानी अलग अलग करके दिया क्लिकेबल बटन उनको। आप लोग ये वीडियो के वीडियो आप ना भेजें, आप उनको गाइड कर दें भाई आप पोस्ट इमेजेस पे जाओ, आप इस तरह लिंक जनरेट करो और जाके अपने जीमेल पे इस तरह लिंक अपलोड करो सेटिंग्स में जाकर अपने ईमेल सिग्नेचर में, वो सारी चीजें वो उस तरह आप गाइड कर दें।
आउटलुक की भी आपको यही सेटिंग्स मिलेगी। आप लोग यहाँ पर वीडियो पे जाएं ना, यूट्यूब पे जाएं, फॉर एग्जांपल हाउ टू ऐड ईमेल सिग्नेचर इन आउटलुक, आपको आउटलुक की भी इसी तरह वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, हाउ टू ऐड ईमेल सिग्नेचर इन आउटलुक, इनको भी देख लें आप लोग। हाउ टू ऐड ईमेल सिग्नेचर इन वेब मेल, ठीक है, यहाँ भी आ जाएं आप लोग, यहाँ पर भी देख लें ये वेब से, ये वीडियोस भी देख लें। वेब मेल भी एक मेल होती है, फिर एक मैक मेल होती है जो सिर्फ मैक यूजर्स के लिए होती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को आइडिया हो जाएगा। तो ये काफी हर उसके लिए, मैंने अभी आप लोग को जीमेल के लिए दिखाई, तो आप सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए एक बार देखकर आप लोग देखेंगे छोटे छोटे क्या डिफरेंसेस हैं, और फिर आप देख लें कि आप लोग उसको ऑफर कर सकते हैं फाइवर पर कि नहीं। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि इस सर्विस में जाया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक तो कंपटीशन कम है और इसकी डिमांड भी, इसकी डिमांड अब वो क्या कर रहे हैं, कुछ ही सेलर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा बेच रहे हैं। अब ये देखें, इसने 1,000 बेच दिए हैं, तो अब यही बेची जा रहा है। बाकी जो है, अगर कोई इसको अच्छा कॉम्पिटिशन दें, अच्छा यानी उसको टारगेट करें, तो वो बेच सकते हैं। लेकिन ये कि ये सर्विस अच्छी है, इसमें जाया जा सकता है, आप लोग इसमें इसमें देखें आप लोग। सिग्नेचर लोगो इज अ लोगो, और ईमेल सिग्नेचर जो है वो एक डिजिटल बिजनेस कार्ड है आपका। HTML में मैं थोड़ा सा सर्च करूंगा कि व्हाई दे आर, व्हाट डू दे मीन बाय HTML, बिकॉज मैंने जब इस सर्विस को ऑफर किया तो मैंने क्लिकेबल ही ऑफर किया था, बट अब लोग HTML का टैग यूज कर रहे हैं। सो मेरा नहीं ख्याल हमें HTML की कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये है कि मैं इसको थोड़ा सा रिसर्च करके आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। तो गाइस, ये आप लोगों का सारा था ईमेल सिग्नेचर से रिलेटेड। यहाँ से, यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और हम आगे चलते हैं अपवर्क की तरफ। अच्छा, यहाँ पर अभी हम लोग ने कल ये सारा, आप लोग, मैंने आप लोग को ओवरव्यू दे दिया था अपवर्क का, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैसेजेस में क्या होता है, रिपोर्ट्स में हम लोग क्या देखते हैं चीजें। अब बेसिकली हम लोगों ने देखना है कि अपवर्क पर हम लोग अपनी प्रोफाइल को मजीद किस तरह SEO फ्रेंडली बनाएंगे। देखें, अपवर्क को आप लोगों ने थोड़ा सा इस तरह यूज करना है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा तरीका बताऊं। एक चीज याद रखिएगा प्लीज, जिन लोगों ने अपने प्रोफाइल अप्रूव कराई है ये ऐप डेवलपर इससे रिलेटेड, प्लीज अपने जो है ना अभी फॉरन एडिट कर लीजिएगा क्लास के बाद, ताकि फिर ये होगा कि आप लोग के प्रोफाइल्स पे कोई इफेक्ट ना हो। तो अगर आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल डिजाइनिंग का जो भी मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ उस तरह करना है, तो आप लोग उसको चेंज कर लेना इस क्लास के बाद। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद अपवर्क। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल को देखना है। आप लोग की प्रोफाइल एक ना, आप लोग का जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक जनरल स्टोर है, यानी एक सुपर स्टोर है, उसकी आउटलुक या उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह की होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, फिर ही क्लाइंट उसके पास जाता है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल क्या, किस तरह की चीजें हम ऐड करेंगे कि क्लाइंट हमारे पास, यानी हम पे ट्रस्ट करेगा, या क्लाइंट हमारे पास आएगा, या क्लाइंट हमें प्रेफर करेगा। तो सबसे पहले बिफोर वी मूव टूवर्ड दिस, मैं यहाँ पे आप लोग को प्रोफाइल सेटिंग्स के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रोफाइल सेटिंग्स के बाद हम यहाँ पर आते हैं कि हम यहाँ पर क्या काम करेंगे। प्रोफाइल सेटिंग्स पर हम जाएंगे। प्रोफाइल सेटिंग्स पर जाने के बाद आप लोगों ने अपना जो है ना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रख लेना है, फॉर एग्जाम्पल योर मदर्स मेडन नेम, योर फर्स्ट पेट, जो भी है आप लोग रख लें, या आप अपना क्वेश्चन भी खुद से बना सकते हैं जो आप लोग को याद रहे। ठीक है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन रख लेना। और 1 मिनट,
इसको रखने के बाद आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि आप लोगों ने बार बार लॉग इन और लॉग आउट नहीं होना, आप लोग ने सेलेक्ट कर लेना कीप मी लॉग्ड इन इनटू दिस डिवाइस, ताकि आपको अपर इस डिवाइस पर याद रखे। बिकॉज होता ये है कि आप बार बार लॉग इन लॉग आउट होते हैं, अपर को लगता है शायद आप डिफरेंट डिवाइसेस पर, आपके डिफरेंट अकाउंट है, तो आपको बैन भी कर सकता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप यहाँ पर सबसे पहले आकर अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन रखें, उसको इनेबल करें, अपना कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ दिए हुए क्वेश्चन से, योर फेवरेट एक्टर, योर फेवरेट सिंगर, योर फेवरेट सॉन्ग जो भी है वो रख लें, योर फेवरेट स्पोर्ट्स टीम, या अदर आपको कोई अपना कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन है तो अपना ऐसा क्वेश्चन रखें, उसका आंसर रख लें। तो ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने जाना है अपनी प्रोफाइल सेटिंग्स पर। अच्छा, मुझे कह रहे हैं कि सिक्योरिटी क्वेश्चन रख लेते हैं, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन योर फेवरेट टीम हम रख लेते हैं आर्सेनल, ठीक है जो भी है। और यहाँ पर आई अंडरस्टैंड माई अकाउंट विल बी लॉक्ड इफ आई एम अनेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये सेव हो गया। अब वो मुझे कह रहा है आगे चलें। विजिबिलिटी आप लोगों ने पब्लिक रखनी है, नॉट ओनली अपर यूजर्स या प्राइवेट, नहीं पब्लिक रखनी है। शो माई फुल नेम, ये इसको ऐसे ही रहने दें। प्रोजेक्ट प्रेफरेंस, यहाँ पर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एक्सपीरियंस लेवल इंटरमीडिएट आप लोग सेलेक्ट कर लें, दैट इज फाइन, अगर आप लोग बाद में जाके उसको एक्सपर्ट में कन्वर्ट कर देना। बल्कि लेट्स जस्ट डू एक्सपर्ट ही कर लेता। कैटेगरीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कैटेगरीज। अब कैटेगरीज में बेसिकली आप लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो आप डिजाइन के हवाले से सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी ग्राफिक एंड डिजाइन होगी। नंबर सेकंड पे आप लोग ब्रांड आइडेंटिटी एंड स्ट्रेटेजी। ब्रांड आइडेंटिटी एंड स्ट्रेटेजी ये है कि इसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी, यानी बिजनेस कार्ड, ठीक है, लेटर हेड, ईमेल सिग्नेचर, सोशल मीडिया किट, ये सारी चीजें इसमें इसमें आ जाएंगी। आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन, आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन में जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी उसमें भी चीजें पढ़ेंगे, जिस तरह चिल्ड्रन बुक इलिस्ट्रेशन होती हैं या इलिस्ट्रेशन होती हैं, उसको भी हम देखेंगे। और एनिमेशन आप लोग रहने दें, आप लोग उसके अलावा सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो डिजाइन के हवाले से ये तीन फिलहाल आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारी एक्स्ट्रा सर्विस भी है, तो आप लोग यहाँ से अपनी एक्स्ट्रा सर्विस की भी कोई स्किल एक सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटा एंट्री हो गई, एडमिन सपोर्ट के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट हो गई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गई। लेकिन ये उनको रेकमेंड कर रहा हूँ जिन्होंने एक्स्ट्रा सर्विस को सेल करनी है। डेटाबेस में एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, ईआरपी, ठीक है, सीआरएम सॉफ्टवेयर हो गया, ये वाली सर्विसेज होगी, तो वो भी यहाँ पर कैटेगरी उसकी सेलेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज जो यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करोगे आप, उसी से रिलेटेड आपको प्रपोजल्स नजर आएंगे। तो फिलहाल के लिए डिजाइन के हवाले से मैं यहाँ पे वीडियो प्रोडक्शन एक रेलिवेंट हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकता है, यानी प्रेजेंटेशन डिजाइन मैंने आप लोगों को बताई थी, वो भी एक इसमें आ सकता है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये एनिमेशन बेसिकली होती है, यानी आपकी लोगो एनिमेशन जिस तरह होती है, ये हम लोग का कोर्स का हिस्सा नहीं है हमारा, क्योंकि इसके लिए हमें आफ्टर इफेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा। इस तरह एनिमेशन होती है, ठीक है। तो मैं प्रेजेंटेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, वरना आप लोग यहाँ से भी कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपकी टेक्निकल कोई एबिलिटी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी मार्केटिंग में कोई एबिलिटी है तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, या सोशल सर्च इंजन मार्केटिंग कर सकते हैं, या लीड जनरेशन कर सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं, तो आप यहाँ से वो चीज़ें सीख सकते हैं, यानी सीख सकते हैं नहीं, सॉरी, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एनीवेज, यहाँ से आप लोग ने ये चीजें सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। बट बिफोर गोइंग टू स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, मैं जरा यहाँ पर आप लोग की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग ने अपना ट्विटर अटैच कर लेना है। आप लोग का बिहेंस अभी तक बना नहीं है, तो बिहेंस फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखाता हूँ बिहेंस क्या है। आप लोग अगर बिहेंस पर जाए, Behance. Now, what is Behance? Behance is a platform जो जहां पर basically मुख्तलिफ designs लोग आकर अपने upload करते हैं,
ठीक है। बिहेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग मुख्तलिफ डिजाइन आकर अपने अपलोड करते हैं। इट्स लाइक एन इंस्टाग्राम ऑफ डिजाइनर्स, यानी जितने भी डिजाइनर्स है वो यहाँ पर आकर अपने डिजाइन अपलोड करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका ये डिजाइन है, आपस में इंटरेक्ट करते हैं कि अच्छा यार ये डिजाइन तुम्हारा कितना अच्छा था और सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें कमेंट्स वगैरह करते हैं, आपस में डिजाइन्स को अप्रिशिएट करते हैं। और ये एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जिससे आप लोग बेसिकली चीजें सीख सकते हैं डिजाइन्स के हवाले से, और दूसरी फॉर एग्जाम्पल यानी डिजाइन इंस्पिरेशंस के हवाले से आप लोग चीजें यहाँ पर सीख सकते हैं। कोई भी चीज यहाँ पर आप सर्च करते हैं तो आप लोग, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मिनिमलिस्ट लोगो लिखता हूँ तो आप लोग को यहाँ पे मिनिमलिस्ट लोगो से रिलेटेड काफी ज्यादा डिजाइन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं कि बेसिकली आप लोगों ने अपना भी पोर्टफोलियो सर अपडेट करना होता है, और इसका लिंक आप लोग दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं कि अच्छा भाई मेरा ये डिजाइन का पोर्टफोलियो है तो तुम यहाँ से मेरा डिजाइन देख सकते हो। तो इस पे आप लोग वैसे साइन अप कर लें, बेसिकली इट्स वेरी इजी टू साइन अप। अगर बिहेंस की भी बात करूं तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, सिंपली जस्ट गो टू बिहेंस वेबसाइट और यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन आएगा साइन अप का। ठीक है, साइन अप कर लेंगे। और याद रखिएगा, आप लोग ने अगर कल कलर सीसी पे साइन अप कर लिया तो आप यहाँ पर आकर लॉग इन कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों एडोब हैं, ये भी एडोब का प्रोडक्ट है, तो यानी एक ही आईडी से आप इस पे साइन इन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिहेंस अगर उस पे साइन अप नहीं किया हुआ एडोब कलर सीसी पे, इस पे जो कल मैंने आप लोग को वेबसाइट बताई थी, इस पे नहीं किया हुआ साइन अप तो आप या तो इसमें कर लें या उसमें कर लें, एक ही बात है, दोनों में एडोब आईडी ही क्रिएट होगी। और फिर आप एक ही आईडी से इस पे भी लॉग इन कर सकते हैं और इस पे भी लॉग इन कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ से सिंपली जस्ट गो टू साइन अप एंड जस्ट मेक अ सिंपल साइन अप। ईमेल एड्रेस हो गया, ठीक है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ, और आपका सिंपली साइन अप हो जाएगा बिहेंस। और आप लोग ने आज ये कर लेना कि बिहेंस अपना साइन अप कर लेना, मैं इंशाल्लाह इसी वीक में आप लोग को बताऊंगा कि बिहेंस किस तरह यूज करना है, किस तरह उसमें आप लोगों ने डिजाइन अपलोड करने हैं और उसका क्या फायदा होगा आप लोग की डिजाइनिंग करियर में। तो यहाँ पर आप लोग फिर अपना बिहेंस वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर कनेक्ट कर सकते हैं, फिर ड्रिबल के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, ड्रिबल भी एक बिहेंस की तरह प्लेटफॉर्म है, इस पे भी आप लोग साइन अप कर लें। ठीक है, साइन अप विद गूगल ना करें, सिंपली आप लोग इस पे भी साइन अप कर लें ड्रिबल और बिहेंस पे, फिर इसको कल इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो उनको आप लोगों ने यहाँ पर कनेक्ट करना है जिस तरह हम लोगों ने फाइवर को कनेक्ट किया था अपने प्लेटफॉर्म्स के साथ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, इस पे आप लोगों ने जाना है। यहाँ पर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन में आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है कि आई एम नॉट अ यूएस पर्सन। वो आप लोग से पूछेंगे बार बार कि आर यू यूएस पर्सन, तो आप लोग कहेंगे आई एम नॉट अ यूएस पर्सन और सेव कर देंगे। अपना बिजनेस नेम वो आप लोग से मांगेगा, फॉर एग्जाम्पल बिफोर विड्रॉइंग फंड्स ऑल नॉन यूएस पर्सन मस्ट प्रोवाइड देयर वीबीएन टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल अपना बिजनेस नेम आप अपना मैंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपना मैंशन करते हैं, अपना यूजर नेम मैंशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिव सारा, ठीक है, आपका बिजनेस नेम है, और ये आप सेलेक्ट करना है सर्टिफाइड अंडर पेनल्टीज ऑफ इंजरी द रिप्रेजेंटेटिव टैक्स सर्टिफिकेट। ठीक है, आप इस तरह सेव कर देंगे एंड देन यू कैन यू नो गेट पेड उसके बाद। लेकिन ये आप लोगों ने यहाँ पर आकर आई एम नॉट ए यूएस पर्सन बिजनेस नेम सर्टिफाइड इसको सेव कर लेना, इस इंफॉर्मेशन को। उसके बाद कॉन्टेक्ट इन्फो है आपकी, कॉन्टेक्ट इन्फो में आप लोगों का यूजर आईडी आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है जो कि ऑब्वियसली चेंज नहीं हो सकती, आपका फर्स्ट नेम सेकंड नेम चेंज हो सकता है। ठीक है, ये आप लोगों ने वही रखना है जो आप लोग का होगा असली। अच्छा, ये आप लोग अपना क्लाइंट अकाउंट भी बना सकते हैं, ये उन्होंने नया ऑप्शन शेयर किया है, आप अपना न्यू क्लाइंट अकाउंट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट अकाउंट से मुराद ये है कि आप क्लाइंट भी बन सकते हैं और सेलर भी बन सकते हैं, तो ये एक इन्होंने चीज निकाली। यहाँ पे आप अपना एड्रेस वगैरह फोन नंबर वगैरह करेक्ट देंगे।
प्रोफाइल सेटिंग्स हमने देख ली है, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देख ली है, कॉन्टैक्ट इन्फो देख ली है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी देख ली है। ठीक है, यहाँ पर आप अपने पासवर्ड सिक्योरिटी टेक्स्ट मैसेज का ऐड कर लें, यानी जिसमें आप लोग को टेक्स्ट मैसेज आएगा जब भी कोई लॉगिन करेगा, एंटर अ कोड जनरेटेड बाय, ये सारे आप इनेबल कर लें। बल्कि मेरे ख्याल से टेक्स्ट मैसेज आप इनेबल कर लें सिंपली फोन नंबर के थ्रू, और मोबाइल ऐप प्रॉम्प्ट रिसीव अ प्रॉम्प्ट फॉर योर मोबाइल ऐप टू कंफर्म इट्स यू, रिसीव अ प्रॉम्प्ट फॉर योर मोबाइल, डाउनलोड द अपवर्क मोबाइल ऐप। आप लोग अपवर्क मोबाइल ऐप में आप लोग को मैसेज आएगा, अगर आप यहाँ से अगर कोई आपका फेसबुक पे यहाँ पे लॉग इन करता है तो आप लोग को अपवर्क की मोबाइल ऐप पे प्रॉम्प्ट आएगा कि भाई कोई आपका लॉग इन करना चाह रहा है। तो ये सारी सिक्योरिटी होती है, ये भी आप कर लें, ये भी अच्छी चीज़ है। कनेक्टेड सर्विस हम लोगों ने देख लिया, नहीं इसको आप रहने दें कनेक्टेड सर्विसेज को। उसके बाद हम जाते हैं माय प्रोफाइल पर। अब ये हम आ गए माय प्रोफाइल पर। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने देख लेना अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है, यहाँ पर अवेलेबल हमने रखना है, और मोर देन 30 वीक्स पर आवर हम लोग पर वीक हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश हम लोगों ने फ्लुएंट सेलेक्ट करनी है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, नेटिव और बायलिंगुअल नहीं करनी। एजुकेशन हम ऐड कर चुके हैं। अब टाइटल पे आते हैं। टाइटल हमारा बेसिकली देखें, अपवर्क में मैं आप लोग को अप्रोच की जरा बात करता हूँ मैं आप लोगों से। अपवर्क पर जितना ज्यादा नीश स्पेसिफिक होंगे उतना ज्यादा हमें सक्सेस के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि मैं टी शर्ट डिजाइनर हूँ, तो मैं इस तरह के टाइटल लिखूंगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेट्रो क्लासिक टी शर्ट डिजाइनर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेट्रो टी शर्ट डिजाइनर। ठीक है, रेट्रो टी शर्ट डिजाइनर फॉर एग्जाम्पल। अब मेरा टाइटल से मेरा पता लग रहा है कि मैं एक टी शर्ट डिजाइनर हूँ, लेकिन मेरी एक खास जो स्पेसिफिक है, मैं रेट्रो बिजनेसेस के जो टी शर्ट डिजाइन करता हूँ, जिस तरह ऑटोमेटिव टी शर्ट डिजाइन है या कोट्स वाले टी शर्ट डिजाइन है, उस तरह की मैं डिजाइनिंग करता हूँ, या स्पेसिफिक आगे मैं लिखता हूँ रेट्रो, या इस तरह का टाइटल में लिखता हूँ रेट्रो लोगो एंड टी शर्ट डिजाइनर। इससे क्या होगा, यानी जो भी रेट्रो डिजाइन ढूंढेगा बंदा, यानी आपने क्या किया, एक नीश स्पेसिफिक टाइटल रखा, और नीश स्पेसिफिक टाइटल रखने से फायदा आपको ये होगा कि आपकी ऑडियंस मुझे पता है कम होगी, लेकिन आपको अपनी ऑडियंस सेपरेट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो इस तरह आप लोग जो है ना, फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक यानी थीम के साथ जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्पेसिफिक स्टाइल के साथ हम गए, ये भी हो सकता है। एक किसी स्पेसिफिक सर्विस के साथ जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मैं एक्सपर्ट इन मर्चेंडाइज डिजाइन। अब इसमें क्या आएगा, इसमें सारे क्लोथिंग डिजाइन आ जाएंगे, जिसमें स्पोर्ट्स जर्सी, ठीक है, हैट्स वगैरह, तो मर्चेंडाइज डिजाइन। अब इसमें आप एक स्पेसिफिक जो है ना इंडस्ट्री के साथ ही चले गए हैं, सो ये भी एक हो सकता है। आप किसी स्पेसिफिक स्टाइल के साथ भी जा सकते हैं, आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के साथ भी जा सकते हैं। तो ये कुछ आइडियाज हैं आप लोगों के, फॉर एग्जाम्पल टाइटल रखने के। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सपर्ट मर्चेंडाइज डिजाइनर। तो आप इसकी वैलिडेशन जरा चेक करेंगे इस टाइटल की, मर्चेंडाइज डिजाइनर में फ्रीलांसर्स हैं कि नहीं, उन्होंने रखे हैं अपने इस तरह के। ठीक है, टी शर्ट डिजाइनर टैग यूज हो रहा है, टी शर्ट डिजाइनर, टी शर्ट डिजाइनर, मर्चेंडाइज डिजाइनर का टैग ऐसे यूज नहीं हो रहा। फैशन डिजाइनर, तो ये टैग की वैलिडिटी में चेक करो, मर्चेंडाइज का टैग ऐसे इतने लोग यानी सर्च नहीं कर रहे, यानी इतने लोगों ने नहीं रखा हुआ अपने उसमें, तो दैट मींस के बायर्स भी ऐसे सर्च नहीं कर रहे। तो टी शर्ट डिजाइनर में सर्च करता हूँ, टी शर्ट डिजाइनिंग में है, टी शर्ट डिजाइनर में काफी ज्यादा जो है लोग इसमें ऑलरेडी। अगर मैं इसको किसी स्टाइल से स्पेसिफिक कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मिनिमलिस्ट टी शर्ट डिजाइनर, हाँ ये देखिए मिनिमलिस्ट डिजाइनर आपको नजर आ रहा है,
अब क्योंकि ये जो है ये टॉप रेटेड हैं सारे, तो ये कोई ना जनरल अपना टाइटल रख सकते हैं। मैंने स्पेसिफिक क्यों रखे, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा सोच रहा है कि यार मैं ऐसे टी शर्ट डिजाइनर ढूंढूं जो कि मिनिमलिस्ट डिजाइन बनाता हो, तो फॉर एग्जाम्पल वो फिर ये सर्च करेगा जब, तो वो फिर ढूंढेगा यहाँ पर कि कौन बंदा मिनिमलिस्ट टी शर्ट डिजाइनिंग दे रहा है, तो आपकी यहाँ कहीं ना कहीं प्रोफाइल सर्च पर आ जाएगी। इसे कहते हैं हम नीश टारगेटिंग कहते हैं इसको, हम कि हम लोग नीश तरीके से जो है ना टारगेटिंग कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। तो आप लोग के साथ कुछ टाइटल्स में शेयर करूंगा ग्रुप में जो कि आप लोग रख सकते हैं एज ए डिजाइनर, और वो आप लोग को काफी फायदेमंद देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टाइटल मिनिमलिस्ट लोगो एंड एंड आइकन डिजाइनर। आइकन्स के जो डिजाइन होते हैं जिसका फ्लैट आइकन हमने देखा, ये हमने टाइटल रख लिया। अब यहाँ पर हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में फॉर एग्जाम्पल एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जिसमें आप अपना फॉर एग्जाम्पल अपना आप इंट्रोडक्शन करवाएंगे, और अपर के इंट्रोडक्शन का जो है ना खास बात ये होती है कि आपने थर्ड लैंग्वेज में बात करनी है एज अ डिजाइनर। फॉर एग्जाम्पल हेलो दिस इज सैफ, नॉट माई नेम इज सैफ, दिस इज सैफ। अ पैशनेट लवर ऑफ मिनिमलिज्म हू डेडिकेटेडली यूजेस हिज मिनिमलिस्ट आइडियाज इन हिज लोगो डिजाइन्स एंड आइकोनोग्राफी। अच्छा यहाँ पर मैंने एक फर्स्ट लाइन लिखी है, इसको छोड़ दें आप, ये देखें हाय दिस इज सैफ अ पैशनेट लवर ऑफ मिनिमलिज्म हु डेडिकेटेडली यूज हिज मिनिमलिस्ट आइडियाज यूज हिज मिनिमलिस्ट आइडियाज इन हिज लोगो डिजाइन एंड आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी का मतलब ये होता है आइकन्स को डिजाइन करना, जिस तरह हम ये फ्लैट आइकन पर देखते हैं, ठीक है, आइकन सेट्स बनाना, राइट। ये मैंने यहाँ पर मिनिमलिज्म का टैग यहाँ पे यूज किया, मिनिमलिस्ट का टैग यूज किया, लोगो डिजाइन का टैग यूज किया, आइकोनोग्राफी का टैग यूज किया। तो इस तरह हम लोग जो है हमने इंट्रोडक्शन भी कराया, और थर्ड पार्टी लैंग्वेज में यानी थर्ड पर्सन लैंग्वेज में हम लोगों ने बात भी की। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक एक कैची सी लाइन हमें लग रही है पैशनेट लवर ऑफ, यानी हम लोगों ने एक ये भी बताया कि हम लोग स्पेसिफिकली मिनिमलिज्म के डिजाइन में काम कर रहे हैं, यानी मिनिमलिस्ट डिजाइन में काम कर रहे हैं। हमने सर्टिफिकेशन दे दी है यहाँ पे कि दिस गाय इज अ पैशनेट लवर ऑफ मिनिमलिस्ट डिजाइन। या लवर की जगह आप लोग कोई और लव्स लिख लें, पैशनेट पैशनेट आइडियलिस्ट, यानी जो आइडियल करता है, यानी फॉर एग्जांपल ऑफ मिनिमलिज्म हु डेडिकेटेडली के साथ। डेडिकेटेडली ये लव्स शायद मैं गलत यूज कर रहा हूँ, हु डेडिकेट हिज मिनिमलिस्ट आइडियाज इन हिज लोगो डिजाइन एंड आइकोनोग्राफी। तो इस तरह हमारे टैग्स भी ऐड हो गए, और एक कैची सी लाइन भी यहाँ पर ऐड हो गई। उसके अलावा आप लोग थोड़ा सा और बैकग्राउंड यहाँ पर बता सकते हैं अपने, फॉर एग्जाम्पल अब इसमें आप लोग क्या क्या चीजें बता सकते हैं, इसमें आप लोग अपने पास प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं जो कि नहीं है। तो आप लोग वैसे ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल के वर्किंग विथ मल्टीपल क्लाइंट्स लाइक मैं लिखता हूँ, फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। वर्किंग विथ मल्टीपल क्लाइंट्स माई डिजाइन्स
solves their problems and enhance their business logos. Okay, so working with multiple clients, the logos provided to them solve their major problem of low audience traffic. लोगोस एंड आइकन्स बल्कि लोगो ट्रैफिक द आइकोनोग्राफी हेल्प देम बूस्ट देयर वेबसाइट ट्रैफिक एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस. ये मैंने बताया कि बेसिकली मैं किन चीजों में काम करता हूँ. मैंने मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम किया, और ये आप भी लिख सकते हैं इसमें, वो कोई आपसे पूछेगा नहीं. आपने बताना है कि आपने उनकी क्या प्रॉब्लम थी, किस तरह उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और उस जो सॉल्यूशन था उसका क्या बेनिफिट था. जैसे हम प्रपोजल में तीन चार लाइनें इस तरह की आप लिख सकते हैं. फिर आप बता सकते हैं द सॉफ्टवेयर दैट आई यूज the softwares that are used are Adobe, the softwares that I use are. तो कोशिश कर रहा हूँ कि कम आए लिखूं, यानी थर्ड लैंग्वेज में, लेकिन अगर आपको लिखना पड़े तो आप लिख लें एडोब इलस्ट्रेटर, ये एक टैग आपका ऐड हो गया, एडोब फोटोशॉप के और सॉफ्टवेयर जो पॉपुलर डिजाइन के सॉफ्टवेयर है, कैनवा आप लिख लें. कैनवा एक सिंपली एक ऑनलाइन डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल इलस्ट्रेटर की तरह, ये काफी मशहूर है, क्लाइंट्स इसको भी प्रेफर करते हैं. लेकिन आप इलस्ट्रेटर आप ये लिख लें, ताकि अगर कोई क्लाइंट अगर कैनवा डिजाइनर सर्च करते हैं तो आप भी उसमें डिजाइन में आ जाएं. बिल्कुल इलस्ट्रेटर की तरह ये ऑनलाइन होता है, बल्कि इलस्ट्रेटर में ज्यादा ऑप्शन है, इसमें कम होता है, लेकिन ये भी पॉपुलर है. कैनवा लिख लें, और आइकोनोग्राफी के लिए आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एडोब के ऑफ सॉफ्टवेयर लिखें, एडोब एक्सपी लिख लें आप यहाँ पर, एंड दैट इज इट. ये आपके टैग्स ऐड हो गए. द सॉफ्टवेयर दैट आई यूज आर एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, कैनवा, एडोब एक्सपी, और यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो आई स्पेशलाइज इन, एज आई स्पेशलाइज इन मिनिमलिस्ट लोगोज, फ्लैट ऐप डिजाइंस, नेगेटिव स्पेस डिजाइंस, icon sets for websites, iconography for social media, icons for t-shirt and merchandise. इस चीज के लिए आइकन यूज हो रहे हैं, तो मैंने उसे बताया कि मैंने आइकन्स किस किस चीज के लिए मैं यूज कर रहा हूँ. ये सारा आप लोगों ने डिटेल में बताना है, ताकि आपकी सर्चबिलिटी ज्यादा हो. ये देखिए, टी शर्ट का टैग आ गया, मर्चेंडाइज का टैग आ गया, सोशल मीडिया का टैग आ गया, वेबसाइट का टैग आ गया, नेगेटिव स्पेस का टैग आ गया, फ्लैट ऐप का आ गया, मिनिमलिस्ट का अगेन आ गया, एडोब इलस्ट्रेटर का टैग है, एडोब फोटोशॉप का टैग है, कैनवा का, और ये सारे मैंने बड़े ही इत्मीनान से जो है ना प्रोफाइल जो है उसको लिखा है, और अपने टैग्स वगैरह भी यहाँ पर एंटर कर लिए हैं. तो आप लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल एंड पर फॉर एग्जांपल कोई उनको कैची लाइक या हुकअप लाइन लिख सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल वर्किंग विथ मी वुड प्रोवाइड यू कंपेटिटिव एज इन द मार्केट एज यू विल गेट क्वालिटी वर्क विथ With reasonable quotes that you might not find elsewhere. यहाँ पे मैं उसे थोड़ा सा प्रोवोक कर रहा हूँ कि भाई अगर तुम मेरे साथ काम करते हो तो तुम्हें मार्केटिंग में एक कंपेटेटिव एज मिलेगा और तुम्हें एक क्वालिटी वर्क मिलेगा विथ रीजनेबल कोट्स, यानी एक रीजनेबल कोट्स के साथ, यानी रीजनेबल प्राइसिंग के साथ दैट यू माइट नॉट फाइंड एल्सवेयर। सो ये जो है हम लोगों ने एक अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी है, एक एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन लिखी है, लेकिन आप इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं, आप इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने क्या करना है, इस कैटेगरी में जो भी लोगो डिजाइनर या जो भी ग्राफिक डिजाइनर है, आइकन डिजाइनर है, यहाँ पर आप सर्च करें, ग्राफिक डिजाइनर, लोगो डिजाइनर एक्सपर्ट्स, ठीक है, इनकी डिस्क्रिप्शन जाके पढ़ें। ये देखें, इसने थर्ड पार्टी लैंग्वेज में लिखी हुई है। क्रिस्टीना इज एन एक्सट्रीमली प्लेजेंट टू वर्क विथ, शी इज क्लियर एंड ऑनेस्ट इन हर कम्युनिकेशंस, एक्सट्रीमली फास्ट एंड टाइम सेंसिटिव। ये देखें वर्ड्स कैसे चूज कर रही हैं, ये एक्सट्रीमली फास्ट, टाइम सेंसिटिव एंड इज ऑलवेज पोलाइट एंड ओपन टू फीडबैक। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना तकरीबन 10 से 15 जो है ना प्रोफाइल्स की आप लोग ये, क्योंकि आप लोग की ये जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बताता हूँ उसने किस तरह लिखी हुई। आई कांट रिमेम्बर हर इनफ, शी इज ऑलवेज माई चॉइस एंड आई ओनली गो टू अदर्स व्हेन शी इज नॉट अवेलेबल, लव क्रिस्टीना। ये उसने ना एक यानी अपने क्लाइंट का फीडबैक मेंशन कर दिया हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर यू वांट टू डिजाइन योर स्टैंडर्ड टू कम्युनिकेट टू योर टारगेट ऑडियंस, इनके आप लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ें। यहाँ पर देखिए उसने सारे जिस तरह हम लोगों ने फील्ड्स जो है लिखी हैं, उसने अलग अलग अपनी फील्ड्स यहाँ पर लिख दी हैं। हमें एक ही आइडिया मिले कि अच्छा अगर फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में हमें कोई क्लाइंट कोई रिव्यू देता है तो हम लोग उस रिव्यू को भी मेंशन कर सकते हैं। अभी देखें यहाँ पे इंस्पिरेशन मेंशन कर रही है, माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज ब्यूटिफुल फॉगी वैंकूवर कैनेडा। ये देखिए कितना उसने स्पेसिफिक जो है ना फॉर एग्जाम्पल अपनी डिस्क्रिप्शन रखी हुई है, नी स्पेसिफिक रखी हुई है। वो कह रही है कि मेरी जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो कैनेडा है। आई ट्रेंड टू स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स रादर देन इन द ऑफिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग इन रेन फॉरेस्ट एंड प्रिपेयरिंग इनिशियल स्केचेस अटॉप माउंटेन पीक्स नेचुरली लीड्स टू स्टनिंग एंड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ये देखें इस तरह की भी आपको लाइन्स लिख सकते हैं आप लोग। फॉर एग्जाम्पल इस तरह की लिख सकते हैं, माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज द ब्यूटिफुल, ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, यू समथिंग लाइक दैट, कुछ भी आप इस तरह की लिख सकते हैं। ये भी एक अच्छा आइडिया है एक डिस्क्रिप्शन लिखने का, क्योंकि आपकी डिस्क्रिप्शन, अब मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ने का बड़ा मजा है। जब मैंने इसकी पहली लाइन ही पढ़ी ना, मैंने कहा अगली लाइन भी इसकी पढ़नी है। तो ये एक बड़ी चीज आपकी मैटर करती है कि आपकी जो फर्स्ट लाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ अपवर्क में वो बड़ी मैटर करती है। My job is to come up with fresh visual concept as well as with powerful advertising and promotional ideas. Previously, I worked as a designer. अब देखें यहाँ पर उसने अपना for example inspiration भी show किया। मैंने आपको कहा था कि आप लोग अब description में तीन चार चीजें mention कर सकते हैं, अपना passion, अपना experience with previous clients, और अगर आपके clients नहीं भी हैं तो आप लोग वैसे assume करके लिख दें कि आप लोगों ने previous client के साथ किस तरह काम किया, किन problems पे काम किया। आप ये बताएं कि आपका इंटरेस्ट किन चीजों में, जिस तरह फॉर एग्जांपल इसने बताया कि माय आपकी जॉब क्या है, आप किस तरह काम करेंगे, वो चीज आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है, प्रीवियसली आई वर्क एज अ डिजाइनर, बिजनेस जर्नलिस्ट, आईटी ब्लॉगर एंड कॉपीराइटर इन मॉस्को, टोरंटो एंड वैंकूवर। आई एस्केप फ्रॉम द ट्रेडिशनल ओवर ऑर्गेनाइज्ड ओवर साइज एजेंसीज एंड ह्यूज डिजाइन शॉप्स टू फाइंड पीस एंड डिस्कवर माई क्रिएटिविटी। माई मोटो इज टू बी क्रिएटिव एंड स्टे अलाइव। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी इसका ये है कि इसने ऑल दो यहाँ पर बताया हुआ है वो क्या करता है, लेकिन ये कि इसने डिस्क्रिप्शन में नहीं बताया कि वो क्या कर रहा है। इस थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसमें बताना चाहिए कि वो किन चीजों पे काम कर रहा है। उसने अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताया हुआ है, लेकिन
उससे आगे जो वो कर रहा है वो चीज नहीं बताई हुई, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन जो इसकी स्टार्ट था दैट वाज ब्रिलियंट। और मेरे ख्याल से उसके स्टार्ट पे ही डिस्क्रिप्शन पढ़ के लोग कहेंगे कि यार ये वाकई ये यानी काफी क्रिएटिव डिजाइनर लग रहा है। और ये भी बात जो उसने कही है ना, ये भी लोगों को काफी इंप्रेस करेगी। यानी उसने कहा है कि मैं एक ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब से निकला हूँ और मैं इस तरफ आया हूँ। तो अब आप लोग ने क्या करना है, अपनी डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आप लोगों ने बेसिकली ये डिफरेंट जो है ना सेलर्स की, इनकी डिस्क्रिप्शन देखनी है और उसमें देखने के उन्होंने किस तरह की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, या उन्होंने फर्स्ट लाइन कैची लिखी हुई है, या किस तरह थर्ड लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं, या वो फर्स्ट लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कितने लोग फर्स्ट लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कितने लोग थर्ड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ये आप लोग को देखनी पड़ेगी डिस्क्रिप्शन। आप लोग का टास्क अभी फिलहाल यही है कल के लिए कि आप लोग ने ये डिस्क्रिप्शन देखनी है और अपनी एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है आप लोगों ने यहाँ पर अपनी यानी प्रोफाइल पर जो है ना, डिस्क्रिप्शन अच्छी सी करके आप लोगों ने लिखनी है एसईओ फ्रेंडली। मैं आप लोगों की डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक करूंगा। उसके बाद आप लोग की वर्क हिस्ट्री तो ऑब्वियसली कोई नहीं होगी, पोर्टफोलियो यहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक जो जो भी आप लोग का डिजाइन बना हुआ है वो यहाँ गेट स्टार्टेड पे लिखें, और यहाँ पर आप लोग ऐड आइटम्स टू इम्प्रेस क्लाइंट। तो आप लोग यहाँ से पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं, स्किल्स आप लोग यहाँ से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं स्किल्स मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल ये डिजाइन की हम लोग ने ऐड की हुई है, तो फॉर एग्जांपल डिजाइन से रिलेटेड लोगो डिजाइन की स्किल आ जाएगी, ठीक है, आइकन्स डिजाइन, ठीक है, टी शर्ट, छिटका नहीं आ रहा, डिजाइन हम लिखते हैं कौन कौन से टैग्स आ रहे हैं देखते हैं, डिजाइन थिंकिंग आ रहा है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन आप लिख लें, उसके बाद स्टेशनरी, सोशल मीडिया डिजाइन, ठीक है, ईमेल हम लोग ने पढ़ा था ईमेल, ईमेल डिजाइन, ठीक है। तो इस तरह आप लोग टैग्स यहाँ पर ऐड कर लें स्किल्स के। अच्छा ये टेस्टिमोनियल्स बेसिकली ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक अपवर्क नया जो है ना सिस्टम निकाला है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट से बाहर के क्लाइंट से काम किया हुआ है तो उस क्लाइंट को आप क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, यानी आपका कोई जानने वाला है मे बी, तो आप कहेंगे यार तुम मुझे अपवर्क पे प्लीज टेस्टिमोनियल लिख दो, तो आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम सेकंड नेम, उसकी ईमेल एड्रेस लिखेंगे, क्लाइंट का लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए, क्लाइंट का टाइटल होना चाहिए वो क्या कर रहा है, और प्रोजेक्ट टाइप जो जिस प्रोजेक्ट पे आप लोगों ने काम किया वो होना चाहिए, और क्लाइंट को आप एक मैसेज लिखते हैं और कहते हैं कि भाई मैं आप लोग आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे अपवर्क पर जो है ना एक टेस्टिमोनियल यानी एक रिव्यू, इसको कह लें एक रिव्यू होता है कि आपका क्लाइंट का आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा हुआ है। एड योर क्लाइंट्स कॉन्टेक्ट डिटेल्स, डोंट वरी विल ओनली डिस्क्लेम द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो अगर वो आपको टेस्टिमोनियल देता है तो आप लोग का यहाँ पर टेस्टिमोनियल यानी इंडोर्समेंट, जिस तरह लिंक्डइन में नहीं होता, लिंक्डइन में इंडोर्समेंट होती है उस तरह यहाँ पे ये एज अ इंडोर्समेंट यानी रिव्यू की तरह काम करेगा। तो अगर आप शुरू में इस तरह फॉर एग्जांपल कुछ आप अपने जानने वालों से ये करवा सकते हैं तो वो एक काइंड ऑफ रिव्यू की तरह काम करेगा और आपकी प्रोफाइल पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये चेक कर लिएगा कि अपवर्क आप लोग के लिंक्डइन से वो पूछ सकता है आप लोग से आप लोग ने क्या काम किया है इसके साथ। सर्टिफिकेशन आप लोग इसमें कोई अंधाधुन ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप कोई भी ऐड करेंगे जिस तरह फाइवर की तरह तो आपसे अप्रूवल मांगेगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल आइल्स का आप ऐड कर देते हैं तो आइल्स का वो आपसे मांगेगा भाई मुझे आइल्स की आईडी दो, जो आईडी आइल्स की है टीआरएफ नंबर है वो आप प्रोवाइड करें। तो सर्टिफिकेशन आप लोग ऐसे नहीं एंटर कर सकते, अगर आपकी कोई सर्टिफिकेशन जेन्युइन है तो वो ही आप ऐड कर सकते हैं। अदर एक्सपीरियंसेस पे आप लोग जो है लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कोई और कहीं किसी कंपनी में इंटर्नशिप वगैरह की है तो वो आप ऐड कर दें। यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में ई रोजगार पीआईटीबी रोजगार का आप ऐड कर दें, या अदर एक्सपीरियंस में पीआईटीबी रोजगार की इंटर्नशिप ऐड कर दें, आप लोगों ने डिजाइन की हुई है एम्प्लॉयमेंट में जो भी आपका पास एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस था वो आप जरूर ऐड कर दें।
एजुकेशन हम ऐड कर चुके हैं। तो गाइज इस तरह आप लोगों ने अपनी जो है ना प्रोफाइल को सेटअप करना है। कल इंशाल्लाह हम स्पेशलाइज प्रोफाइल्स को देखेंगे। अब कल तक आप लोग का टास्क ये है कि आप लोग ने एक टाइटल डिस्क्रिप्शन, आप लोग ने अपनी प्रोफाइल जो है ना पूरी कंप्लीट करनी है, और मैं डिस्क्रिप्शन और टाइटल पे खासतौर पे मेरी नजर होगी कि आप लोग ने उसको किस तरह जो है ना डिजाइन किया है, क्या लिखा है उसमें, वो आप लोगों ने सर्चिंग करनी हो लिखना। सर पैकेजिंग डिजाइन, सोशल मीडिया किट, स्टेशनरी डिजाइन, सिग्नेचर लोगो डिजाइन की कैसी करेंगे डिस्क्रिप्शन, ये अब आपने सोचनी है, इस पर वर्किंग करें आप। डिजाइन की सिलेक्ट करेंगे आप, मैं कुछ स्किल्स और कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ टाइटल्स जो आप लोग रख सकते हैं। ऐसा नहीं है आपकी, मैंने ये यूनिवर्सिटी ऐड की थी, ये देखें आप, कौन सी यूनिवर्सिटी है फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, ये पाकिस्तान की आ रही है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। ये ना सर्टिफिकेट कौन से होंगे, सर्टिफिकेट कोई भी हो सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है आपके डिजाइन से रेलेवेंट हो, आपको कोई भी सर्टिफिकेट है, आइल्स का सर्टिफिकेट है, जो भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप दोबारा चेक कीजिएगा, होगी सर IUB बावलपुर, ये भी आपको चेक करनी पड़ेगी। सर टेल मी प्लीज कि हम गूगल से कोई ग्रेडियंट डाउनलोड करके उसे अपने स्वॉचेस पे ग्रेडियंट पैनल में कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ग्रेडियंट्स है, ये इसको आपने सेलेक्ट किया, ये ग्रुप कर लें, ये ग्रेडियंट है, ठीक है, ये स्वॉच है,
यहाँ पर इसको यहाँ पर सिंपली ऐड कर लें, ऐड हो जाएगा, इसको ऐड कर लें, इसको ऐड कर लें, सेलेक्ट कर लें ग्रेडियंट को, ये ग्रेडियंट ऑलरेडी बने बनाए हैं। जी एडोब एक्सपर्ट का है वो, तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं है, तो आप फिर रहने दें, आप कोई देख लें, कोई और आपने कुछ किया और डेटा एंट्री से इंग्लिश से रिलेटेड आइल्स अगर किया है। हाँ बाकी गाइस कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से अभी। पूछें आप, अच्छा ये इनहेंस डिटेल मार्केटिंग, इनहेंस डिटेल और मार्केटिंग टूल बेसिकली ये होता है कि इनहेंस डिटेलिंग का मतलब है कि आप टी शर्ट कुछ सिंपल किस्म की होती है, कुछ कॉम्प्लेक्स किस्म की होती है, तो इनहेंस डिटेलिंग जब आप सेलेक्ट करते हो तो दैट मीन्स के योर टी शर्ट जो हम डिज़ाइन करेंगे वो कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाएंगे। दूसरी चीज़ ये है के मार्केटिंग टूल, मार्केटिंग टूल में यही आती है सारी टी शर्ट से रिलेटेड ना ये, क्योंकि टी शर्ट डिफरेंट प्रोडक्ट स्टोर्स पर बेची जाती हैं, एटसी हो गई, प्रिंटफुल हो गई, या कुछ वेबसाइट्स पर बेची जाती हैं, तो उनके जो वेबसाइट बैनर्स होते हैं, ये इवन फेसबुक पे जो बेची जाती हैं, तो जिस तरह सोशल मीडिया किट होती है, तो वेबसाइट बैनर्स जो उनके बैनर्स होते हैं या उनकी मार्केटिंग के रिलेटेड कोई टूल हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईमेल न्यूज़लेटर भी हो सकता है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल जो हम कल देखेंगे जिसको, तो जो भी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड सोशल मीडिया का हो गया या ना कोई बैनर हो गया, वो जो होते हैं डिजाइन, उनको हम मार्केटिंग टूल्स में काउंट आउट कर सकते हैं। और कमर्शियल यूज का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल वो टी शर्ट जो भी आप डिजाइन बनाएंगे, एक तो वो कॉपीराइटेड ना हो, फॉर एग्जांपल मैं हैरी पॉटर का डिजाइन नहीं लगा सकता उस पर, वो कॉपीराइटेड आ जाएगा, ऐसे डिजाइन हो जो कि क्लाइंट कमर्शियली बेच सके आगे जाके अपनी वेबसाइट पर, लोगों को कमर्शियली कॉपीराइटेड बेच सके, तो उसका मतलब होता है कमर्शियल यूज के, उसका बेसिकली सारा राइट आप बायर को दे देते हैं और उसको प्रूफ करते हैं कि भाई हमने ये डिजाइन जो है ये कहीं से भी कॉपीराइटेड नहीं है और कहीं से भी कॉपीराइटेड क्लैश नहीं आ रहा। सर जी फाइवर के गिग्स के रिव्यू नहीं हो रहे या ऑर्डर नहीं आ रहे तो फाइवर पॉज करें उन गिग्स को या डिलीट करते हैं। देखिए जिस तरह आप लोग गिग्स बनाते जाएंगे, आप लोग को गिग्स पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप उसी गिग को डिलीट करेंगे और उस पर चेक करेंगे कि उस पर क्या चीज कम आ रही है। अगर आपके इंप्रेशंस कम हैं, क्लिक्स ठीक हैं, दैट मींस कि आपकी इमेज अच्छी है और आपके एसईओ टैग्स में मसला है। अगर आपके इंप्रेशंस अच्छे आ रहे हो, क्लिक्स कम है, तो दैट मींस कि आपकी जो इमेज लगी है उस पे मसला है। अगर आपके दोनों कम आ रहे हैं तो आपकी दोनों चीजों में मसला है, तो आपने उन स्टैट्स से आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी गिग में क्या इशू आ रहा है। जी बिल्कुल 2 बजे डिलीट हो जाता है और टाइमली वो बताया गया है। अच्छा क्लास आई विल बी एंडिंग दिस क्लास, तो किसी का कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, और मैं उसका जो है जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उसका आंसर कर दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। जो आप लोग की जो अपवर्क की, अब आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, साथ साथ आप लोगों की जो है फ्राइडे को याद रखिएगा फाइवर की जो है गिग्स चेक होंगी, तकरीबन जिनकी पहले 5 बनी थी उनकी 7 होनी चाहिए, या 3 to 5 बनी थी उनकी 7 होनी चाहिए, जिनकी 1 थी उनके एटलीस्ट 5 होनी चाहिए। तो थोड़ा सा जरा एक्टिव हो जाएं इस वीक, आज तकरीबन हमारे पास वेडनेसडे हो चुका है तो फ्राइडे तक 2 दिन है हमारे पास, तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, अपवर्क पे भी काम करना है, फाइवर पे भी काम करना है। ज्यादातर असाइनमेंट्स मेरी इसी से रिलेटेड होंगी, मैं आपको ईमेल सिग्नेचर से रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रहा, बिकॉज वो आप बाद में भी सीख सकते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग अभी मैं आप लोग के पास हूँ, तो मैं जितनी ज्यादा फ्रीलांसिंग का मवाद आप लोग को दे दूँ
उतना ज्यादा बेहतर है, बिकॉज आप लोग को इंटरनेट से और कहीं से इतना मुश्किलों से मिलेगा, इतना आसानी से नहीं मिलेगा, और या तो पे करके आप लोग को मिलेगा नॉलेज, वरना इस तरह इतनी इजी एक्सेसिबल से नहीं मिलेगा। तो इसका थोड़ा सा आप लोग जो है, आप लोग की मुझे मेहनत चाहिए, थोड़ी सी मुझे डेडिकेशन चाहिए। आप लोग सवाल पूछें, करें, आप लोग जितना करना चाहते हैं मैक्सिमम तरीके से गिग्स बनाएं, फिर उसमें जो जो मिस्टेक्स होंगी मैं आहिस्ता आहिस्ता उनको इवॉल्व करते जाएंगे, सीखते जाएंगे उससे, और आप लोग की गिग्स मजीद बेहतर होती जाएंगी। लेकिन उसके लिए आप लोग का गिग बनाना जरूरी है, बेशक ऐसी तैसी जिस तरह भी गिग हो आप बना बना डालें। जब वो गिग बनेगी आप लोग को उसके अंदर अपनी मिस्टेक्स नजर आएंगी। देखिए इंसान ना गलती करके सीखता है, तो इट्स मैं आप लोग को चाहता हूँ कि आप लोग गिग बनाएं और गलती करें, और एक दफा करें, दो दफा करें, तीसरे दफा खुद पक्के हो जाएंगे। आप लोग के बैक उतना माइंड होगा कि नहीं यार मैंने तो ये मिस्टेक करनी ही नहीं है, मैंने तो इतने टैग्स एक दफा ऐड करने हैं और इस टैग को हमने ऐड नहीं करना है, किस तरह हमने टैग्स फाइनल 5 टैग्स ऐड करने हैं, तो आपकी आदत पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप लोग उस प्रोसेस से गुजरते जाएं। गलत हो कोई मसला नहीं है, आप लोग गलत बनाए कोई मसला है, लेकिन आप लोग बनाएंगे। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखें, अपने गिर्दनुमा में सबका ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।